एसोसिएशन नोएडा और फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं पूनम शर्मा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम जानते हैं कि एक जमाना था कि जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि कब ये पढ़ाई खत्म होगी, और आज वो वक्त है कि क्यों नहीं वो वक्त फिर से लौट कर आ जाता। जब हम पढ़ते थे क्या वो दिन थे, तो उन दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए ये एक बना दिया है कि एक इस तरीके से सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उन पुराने दिनों की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन नोएडा का ये इनॉग्रल फंक्शन है। जी हाँ, पहला, बहुत बहुत बधाई सभी सदस्यों को। और कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ज़रूरी है, दीप प्रज्वलन के साथ होती है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री योगेंद्र नारायण जी, साथ ही हमारे बीच में है मिस्टर मनोज गौर, डॉक्टर जे वी शर्मा, श्री कृष्ण नारायण पांडे, आचार्य इंदु प्रकाश जी, श्री दिनेश चंद श्रीवास्तव जी, श्री एन पी सिंह जी और आप सभी। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री योगेंद्र नारायण जी से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। ये माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। दीप प्रज्वलन एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की परंपरा हमेशा से रही है, और इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां मैं जरूर समर्पित करना चाहूंगी। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ हैं तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत पर अपना सहयोग दें, और ये तालियां बजती रहनी चाहिए पूरे कार्यक्रम में, आप हमारे साथ रहें। माँ सरस्वती के प्रणाम के बाद मैं चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री योगेंद्र नारायण जी, मंच पर स्थान ग्रहण करें, साथ ही श्री मनोज गौर जी, डॉक्टर जे वी शर्मा जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं। श्री कृष्ण नारायण पांडे जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। आचार्य इंदु प्रकाश जी, आपको हम रोज टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं, और आज आप हमारे बीच में हैं, बहुत ही हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है। कृपया मंच पर आप स्थान ग्रहण करें। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हमारे बीच में श्री दिनेश चंद श्रीवास्तव जी हैं, आप गाजियाबाद अउवा चैप्टर है उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। जब से इसकी स्थापना हुई है अउवा की, तब से वो इससे जुड़े हुए हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। और एक और परंपरा, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए फूलों का सहारा लेते हैं। तो कहा गया है अतिथि देवो भव, हमारे गणमान्य अतिथि
हमारे बीच में। मैं निवेदन कर रही हूँ श्री नवीन चंद्रा जी से कि आप कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री योगेंद्र नारायण जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सहयोग दे सकते हैं तालियां बजाकर। मेरा निवेदन है श्री अजय अग्रवाल जी से कि आप श्री गिरीश नारायण पांडे जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी हाँ, तालियों का सहयोग मुझे बराबर मिलते रहना चाहिए। श्री उज्जवल कुमार जी से मेरा निवेदन है कि आप डॉक्टर जे वी शर्मा जी को श्री मनोज गौड़ जी को बुके भेंट करें, उनका स्वागत। जुड़े हुए हैं अव्वा से, बहुत सारे इन्होंने पड़ाव देखे हैं, बहुत सारे ठहराव देखे हैं, कैसी कैसी रुकावटें, बाधाएं और उपलब्धियां, बहुत सारी यादें इनके पास हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान और विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करूंगी कि अपनी वो रिपोर्ट, वो सारी यादें एक बार फिर से ताजा करें और सभी का स्वागत भी करें और आप तालियां बजाकर उनका आवाहन करें इस मंच पर। मित्रों, एक बार पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन छात्र परिषद की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सन 1999 से जब से इस संस्था की स्थापना गाजियाबाद में हुई थी, तब से आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। भाई नवीन चंद्रा जी यहाँ, भाई शीतला शंकर विजय मिश्र जी बैठे हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं। हम दो तीन लोगों ने इस संस्था की स्थापना गाजियाबाद में की थी। आज ये लगभग 1000 पुरातनियों की संस्था बन गई है। ये एक सुखद एहसास का विषय है। मित्रों, मुझे याद है डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का आशीर्वाद हम एक बार और पा चुके हैं। संभवतः 2000 के आसपास हमने नोएडा में एक कार्यक्रम किया था और इन्होंने जो आशीर्वाद और उद्गार व्यक्त किया था कि मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पुरातन छात्र परिषद इस तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं, और इस प्रेरणा को हृदय में संजोए हुए तीन आदमियों, चार आदमियों की संस्था आज इस मुकाम तक पहुंची है। मैं फिर एक बार डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर गिरीश नारायण पांडे जी प्रख्यात साहित्यकार, आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर, हमारे मेंटर रहे हैं। इनकी प्रेरणा हमेशा हमें मिलती रही है। और चूंकि आज का विषय एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, साहित्य का, जब पांडे जी की साहित्य का अवलोकन करें, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इनको, ज़्यादा तो अवसर नहीं मिला है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इनको पढ़ा है, हमको लगा कि बहुत प्रारंभ से ही पर्यावरण के विषय में ये आतुर और चिंतित रहे हैं। एक इनकी छोटी सी रचना है जिसमें इन्होंने चींटी को एक प्रतीक मानकर एक कविता लिखी थी। हालांकि वो कविता सामाजिक व्यवस्था की थी, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो अंतिम पड़ाव चींटी होती है, उसको उन्होंने प्रतिरूपण किया था। इससे लगता है कि श्री पांडे जी एनवायरनमेंट के प्रति कितना जागरूक हैं। हमारे बीच आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका सानिध्य, साहचर्य और प्रेरणा
हमेशा मिलती रही है और जब जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है हम इनसे मांगे हैं, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे प्रेरणा हो, चाहे सद्मार्ग दिखाने की बात हो, और हमेशा देने को देते रहे हैं और देने को तत्पर रहे हैं। आज मुझे थोड़ा सा विरोधाभासी लग रहा है, श्री मनोज गौड़ जी यहाँ बैठे हुए हैं। मनोज गौड़ जी कंक्रीट के जंगल उगाते हैं और इस एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एक वक्ता के रूप में हमारे बीच में है। कुछ लग रहा होगा आपको, कुछ अटपटा था, लेकिन जब मैंने जानकारी की और उनके विषय में जाना तो इतना इस संवेदनशीलता के साथ जहाँ भी फ्लैट बनाते हैं अपने वातावरण को ये सजाते संवारते हैं, हरा भरा करते हैं कि आप कभी जा करके इनके प्रोजेक्ट को देखिए, आपको पता चलेगा कि पर्यावरण के कैसे रक्षक। मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और चूंकि ये एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सब्जेक्ट पर हमारे वक्तागण बैठे हुए हैं, आगे आप उनको ध्यान से और गंभीरता से सुने। मित्रों, पर्यावरण की आवश्यकता आज दोपहर में शायद आप सभी को हल्का सा महसूस हुई होगी, जब हिला होगा, सब कुछ हिल गया होगा। ये इसलिए क्यों, कैसे हो गया, आपने कभी सोचा है? आज का ये जो विचार मंथन है इतना सटीक और समसामयिक हो गया इस घटना के बाद, आप हमारे वक्ताओं से सुनेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 5 चीजों का प्रयोग किया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन और हवा, हमको लग रहा है कि यदि इन्वायरमेंट की परिभाषा एक शब्द में दिया जाए तो यही इसकी परिभाषा है। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, आप हमारे वक्ताओं से सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर जेबी शर्मा जी, जो जिनका इंतज़ार हो रहा था, वो हमारे बीच में आ गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अतिथियों का स्वागत बुके से होता है। एक मुझसे भूल हो गई और मैं चाहती हूँ अगर कोई भूल हो तो मुझे क्षमा भी करें और आप मुझे याद भी दिला दें। आचार्य इंदु प्रकाश जी थे, उनको हमें बुके हम भेंट नहीं कर पाए। मैं निवेदन करूँगी, मिश्रा जी से निवेदन करूँगी कि आप उन्हें बुके भेंट करें और क्षमा के साथ नवीन चंद्रा जी से मेरा निवेदन है कि आप डॉक्टर जे वी शर्मा जी को बुके भेंट करें, उनका स्वागत करें। और अब इसके बाद में हमारे बीच में श्री मनोज गौर जी, उनको कौन नहीं जानता। मनोज गौर जी हर जगह, आप कितनी जगह जाते होंगे, कितनी सारी कंपनीज, कितने सारे बिल्डिंग्स, टाउनशिप, जहाँ पर भी आप देखते होंगे। और गाजियाबाद में जब आप जाएंगे तो गौर मॉल वो भी खुल गया है। आपके बारे में मैं आप बता देना चाहती हूँ कि आप बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्रेडाई वेस्टर्न यूपी, ये एक बिल्डर्स एसोसिएशन है, आप उसके अध्यक्ष हैं। साथ ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौरसंस इंडिया लिमिटेड के। इनकी कंपनीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो उनमें से कुछ हैं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, गौरसंस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री श्याम बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड, गौरसंस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। और अगर इनकी कुछ और उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, गौर सिटी फर्स्ट, गौर सिटी सेकेंड टाउनशिप नोएडा एक्सटेंशन में है। इसके अलावा गौर हाइट्स वैशाली, गौर ग्रीन विजिट्स,
इंदिरापुरम में, गौर होम्स एलिगेंट है गोविंदपुरम में, और गौर स्पोर्ट्स वुड, और बहुत सारे, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मुझे इससे ज़्यादा हम उनको सुनने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो आप खुद जान जाएंगे कि कहाँ किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुँचे। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विचार व्यक्त करें। बहुत ही शुभ दिन है आज, इनॉग्रल सेशन है, इनॉग्रल फंक्शन है आज आह्वान का, तो आप और आपसे निवेदन है कि तालियों के साथ आपका स्वागत करें। रेस्पेक्टेड योगेंद्र नारायण जी एंड ऑल द रेस्पेक्टेड पर्सन ऑन द डायस ऑफ द डायस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलमेक स्टेशन को ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय को चुना आज, क्योंकि आज बहुत ही रिलेवेंट है आज के टाइम के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं और कंक्रीट का जंगल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ बातें अभी आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों एक ऐसी अलग अलग चीज़ें नहीं है जो साथ साथ नहीं चल सकती, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ हमें एनवायरनमेंट की ज़रूरत है क्योंकि हमारी नेचर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वहीं डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें आज की डेट की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अवेलेबिलिटी है, तो इन दोनों को एंटायरली जो है साथ साथ जो है अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा जिस तरह से हम आज डेवलप कर रहे हैं द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन। अभी एक टाउनशिप हमने डेवलप करी है गॉड सिटी के नाम से, उसमें लगभग जब वो पूरी हो जाएगी तो 25,000 फ्लैट्स वहाँ पर होंगे अराउंड 250 एकड़ के अंदर। लेकिन जब उसको डिज़ाइन किया गया था एट दैट वेरी मोमेंट एनवायरनमेंट का जो असेसमेंट था उसी टाइम उसका जो है वो किया गया था, कुछ गवर्नमेंट के मैंडेटरी नॉर्म्स भी होते हैं, बट उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि प्रैक्टिकली वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसको जो डिज़ाइन किया है जीरो गार्बेज सिटी के रूप में डिज़ाइन किया है। इट मीन्स जब वो लोग वहाँ पर रहेंगे ऑलरेडी 1100 फैमिलीज वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं, कोई भी गार्बेज वो सिटी जो है जनरेट नहीं करेगी। उसको हमने किस तरह से अचीव किया है कि वी पुट ए स्पेशल मशीन इन एवरी ब्लॉक, जो भी आपके किचन से जो भी गीला गार्बेज निकलता है, किचन का जो भी वेस्ट है, चाहे फूड वेस्ट है, चाहे सब्जियों का वेस्ट है, फलों का वेस्ट है, और गार्डन आपका छोटी गार्डन है आपके पास, जितना भी ग्रीन वेस्ट है वो अलग से कलेक्ट होता है और विद इन 24 आवर्स वो मैनिक्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंटायरली वो 3R सिस्टम पे काम करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट रिड्यूस द वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम गार्बेज का होता है वो 90% रिड्यूस हो जाता है, ओनली 10% कन्वर्ट हो जाता है। एंड रिसाइकिल करते हैं, वो मैनिक्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैनिक्योर वहाँ के लैंडस्केप में काम आ रहा है। एंड थर्ड रीयूज, तो जो गार्बेज अलग से होता है जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो मेनली करता कांच या प्लास्टिक तीन तरह का मेन होता है, उसको कलेक्ट करके वो डायरेक्टली रिसाइकिल फैक्ट्रीज के अंदर सेल कर दिया जाता है। उससे जो अर्निंग होती है वो जो स्टाफ इस सारे कलेक्शन में लगा हुआ है उसकी सैलरी उससे जो है मैच करती है। तो जितना भी वहाँ से गार्बेज निकल रहा है वो सारा का सारा वहीं पे हम उसको जो है रिसाइकिल कर रहे हैं। दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड एट द साइट। मैं यहाँ से अभी मेरी योगेंद्र नारायण जी से बात हो रही थी, इस सिस्टम को वो देखना भी चाह रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम अगर कोई उसको देखना चाहे कि किस तरह से काम कर रही है। एंड दैट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और इस तरह से करने से जब वहाँ पे सारी टाउनशिप में लोग रहने लगेंगे तो हर साल करीबन 4 से 5 हज़ार टन जो गार्बेज है वो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, वहीं पे वो जो है रिसाइकिल हो जाएगा। तो कहीं भी लैंडफिल साइट जिस तरह से हम देखते हैं गाजीपुर में जो है कूड़े का पहाड़ बन गया, तो इस तरह की पहाड़ों को रोका जा सकता है अगर सभी लोग अपनी जिम्मेवारी के साथ जो है उसको काम कर सकें। क्योंकि हम ज़्यादातर जो है डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट ये सब काम करेगी, बट ऐसा नहीं है। एंटायर वर्ल्ड में जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं वहाँ की जो कम्युनिटी है वो इतनी सेंसिटिव होती है, या उस कम्युनिटी के अंदर इस तरह के सिस्टम डेवलप हुए होते हैं कि वो एनवायरनमेंट को जो है साथ साथ ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को साथ साथ इसके अंदर करते हैं। इसी तरह से पानी का भी हमने इंतजाम वहाँ पर किया है। तो एंटायर सीवर सिस्टम वो दैट इज ट्रीटेड बाय द एसटीपी वाटर। एसटीपी के
जो वाटर जो जनरेट करेगा उसको ग्रे लाइन के थ्रू डबल प्लम्बिंग सिस्टम किया है सभी ब्लॉक के अंदर। तो जितना भी जो नॉन ड्रिंकेबल वाटर यूजेज हैं, चाहे आपका फ्लड सिस्टम हो या इरीगेशन सिस्टम हो, एसटीपी के पानी को वो वहाँ पर हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो दैट वाटर का जो टेबल जो नीचे गिरता जा रहा है, अभी बहुत सारे ऑर्डर उसके अंदर आए हैं, तो रिसाइकल ऑफ वाटर इज जो है दैट कैन बी अचीवेबल, दैट जस्ट प्लानिंग की उसके अंदर जरूरत है। इसके अलावा जो पुराने डेवलपमेंट हो चुके हैं उसको भी सस्टेन करने के लिए, जस्ट लाइक आपके सेक्टर्स हैं जो पुराने नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, तो यहाँ पर भी इस अगर ये सिस्टम लगाया जाए कि डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए और डोर टू डोर कलेक्शन को वहीं पर अगर सेपरेट किया जाए, क्योंकि एक बार कूड़ा जब एक बार मिक्स हो जाता है तो उसको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। जस्ट लाइक गाजीपुर में पहुँच के आप कहें कि वहाँ उसको अलग कर दें, वो वैसे ही है कि एक किलो चीनी और एक किलो नमक को मिलाएं और बाद में कहें कि इसको सेपरेट कर दें और इससे चाय बना लें या हलवा बना लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। वंस द गार्बेज इज मिक्स दैट इज नो यूज। तो जब डोर टू डोर कलेक्शन के अंदर अगर हम गार्बेज को अलग कर लें तो डेट इज यूजेबल और वो मनी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, डेट इज जो है अर्नेबल ऑल्सो। तो अभी हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद को जो है दो मशीन्स डोनेट करी हैं जिनका प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सब्जी मंडी आप देखेंगे जो घरों में आपकी सब्जी आती है, डेली जो सब्जी ट्रांसपोर्ट के अंदर खराब होती है उसका वॉल्यूम कम से कम 5 से 10 टन डेली एक मंडी के अंदर जनरेट होता है, जो या तो जानवर खाते हैं या उसके वो डंप यार्ड में पहुँच जाता है और सारी बदबू और सारा जो है उससे जो है बीमारियाँ फैलती हैं। तो उस पर मशीनें वहीं सब्जी मंडी में लगा के जितना भी जो है सब्जियाँ ट्रांसपोर्ट में ख़राब हो रही हैं उसको वहीं ट्रीट करके वो खाद में कन्वर्ट होगी, जो कि यूज़ की जा सकती है, जो कि सेल की जा सकती है, और एक ऑर्गेनिक खाद की जो है सब्जियाँ या खेती में यूज़ की जाएगी। तो केमिकल बेस्ड सब्जियाँ आ रही हैं उसका भी जो है कंट्रोल हो। तो इस तरह के छोटे मेजर्स हैं। इसी तरह से हमने ग्रीन बिल्डिंग, वी आर द फाउंडर मेंबर ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग एसोसिएशन IGBC के, और इसके अलावा जितने मेजर्स हैं, जस्ट लाइक जो ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे UV प्रोटेक्टेड ग्लास हैं, इसी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ग्रीन गैसेज जो है ग्रीन हाउस गैसेज का कम जनरेशन होता है। और द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग स्पेशली ट्रीटेड बाई द स्पेशल फोम, जिससे कि ऊपर के टॉप फ्लोर कम गर्म हों। ऑल द एंटायर लाइट्स जो कि हमें बिल्डिंग के अंदर जरूरत होती है, दिन के अंदर पार्किंग है या कॉमन एरियाज है, उसको सोलर सिस्टम से जो है वो हमने सपोर्ट किया है। दीज आर सम मेजर्स विच वी कैन अचीव, दैट इज नॉट जो है इम्पॉसिबल। और आप जो लोग रह रहे हैं अपने जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ, मैं चाहूँगा अगर हमारी जो ये एक्सपर्टीज है इस लाइन के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहें तो वी विल लव टू सेंड अवर टीम देयर। और अगर आप मशीन देखना चाहें किस तरह से वो वर्क कर रही है, क्या सारा सिस्टम है, तो वी आर डेफिनेटली वेलकम ईच एंड एवरीबडी। RWS है या जिस तरह के मंच हैं, योगेंद्र नारायण जी काफ़ी एक्टिव हैं एनवायरनमेंट के लिए, और बहुत सारे एनवायरनमेंट से प्यार करने वाले हमारे मित्र यहाँ पर हैं। तो जितना भी सहयोग है कि हम जो है इस डेवलपमेंट के काम में, तो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इसको अगर हम साथ साथ लेके चलें तो डेफिनेटली एक देश, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो स्वच्छ भारत वाला अभियान है उसमें भी हम इंडिविजुअली जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि कभी भी हम अगर इसको लेके चले कि जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या गवर्नमेंट है ये उन्हीं की जिम्मेवारी है, नहीं, ये हमारे घर से शुरू हो। अगर हम अपने घर से इसको ठीक करें तो पूरा देश जो है साफ सुथरा जो है रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी पॉकेट साइज की जरूरत नहीं है। देखो थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा जो है हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही खास बात आपने बताई कि शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। जी हाँ, जो व्यक्ति पूरे समाज को सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत अपने आप से, अपने घर से करें। जैसा कि उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी ने भी ये अभियान चला रखा है, और ये शुरुआत हम अपने घर से, अपने आस पास से करें तो जरूर हम कामयाब होंगे एक दिन। वो किसी ने कहा है ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर जितेंद्र बी शर्मा टू से समथिंग अबाउट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस Mr. Jitendra B. Sharma ji, as an IMS officer of the Uttar Pradesh cadre, Dr. J. B. Sharma has an intimate knowledge
of biodiversity, forestry, policy and natural resources issues in Uttar Pradesh. In his capacity as an IFS officer, he has enforced various laws with the Indian Forest Act 1927, Forest Conservation Act, Tree Protection Act, UP Private Forest Act, UP Sawmill Act and UP Transit Roads, etc. And about his qualification, I must mention here, MSc in Botany, Allahabad University, PhD in Economic Valuation of Forest Ecosystem, FRI University, Dehradun, MPhil in Public Administration, Punjab University, 2009. Please give a big hand to our honorable guest, Jitendra D. Sharma ji. Good evening to all. Really, I am delighted when I was invited by Naveen. And I am passionate about this particular topic. I am not much speaking about forestry, but little bit. But the topic is environmental sustainability. Here I would like to highlight, if anybody can define sustainability? In 1992, during Earth Summit, the definition has been coined by the 193 country of globe that it is a concept. Nobody can define the definition of sustainability. Where you use the natural resources in such a way and such manner that resources are available for the future generation. And what you get from your forefathers, you will hand over to your next generation. When we will give this definition to the executive, how to implement it is really difficult. And here, when I will be speaking on the climate change issue, and I am giving you, those winters are here, that very simple solution is there. And you can use that sustainability. How much emissions you are doing, that much you have to keep. So that in a building, you use energy. By using energy, you emit carbon dioxide and many other gases. Through waste management, methane and other gases. So that when we talk the greenhouse gases, these gases are counted only in one unit, just gram centimeter, equivalent ton of carbon dioxide. So there are formulas available for methane, chlorofluorocarbon, nitrogen oxide, and more than 50% contribution of the greenhouse gas is the carbon dioxide. So that we have to take it. Once we talk the carbon dioxide, then trees and are increasing the process of photosynthesis. So likewise, and that is not a very rocket science to estimate it, how much you are emitting and how much you have to keep it. Then simple methodologies are available, and you can engage any of the organizations, they can do for you. Here, I'd like to just give the background, and on this initiative, because today it was an earthquake, and earthquake, we are listening about the climate change. There is a difference between the climate and the weather. We are observing the change in the weather. But when you appreciate weather for the long term, it's not the climate. So that whatever the changes you are observing in a climate, and what is the difference? Because it is due to the meteorological changes. So the last 10,000, many changes are there in the climate, or due to the anthropogenic effects. Now we have, or the global community is concerned about, the control of the anthropogenic means human intervention to enhance the emission of the greenhouse gases. What the greenhouse gases does? They trap the heat and enhance the temperature of the earth. For the last century, the enhancement is 0.6 degrees Celsius. And for the last 10,000 years, it was the same. So that is it. Because of concern, the changes we are realizing for the 10,000 years, we are observing in a century. And during 2100,
we have done already damage and caused the emission of the greenhouse gases. The temperature rise by the end of 2100 by 2 degrees, and it is inevitable, it is a fate. Whatever mitigating and adapting actions the whole globe is now taking, including India, to control, to limit the temperature rise within 2 degrees. For the last century, 20 centimeter of rise in the sea level. The energy level has been announced. So the many changes you are visualizing, these are the because of the changes you have observed in 10,000 or 5,000 years. You will be seeing that in 50 years or 30 years or 10 years. So that is the cause of concern. And who is the most concerned? Poorest, the poor is the most concerned in our country. 37% you go by definition of the planning commission. 34 or 35% what is the below poverty line, there is $1. And you go by the world bank, it is a $2. The 80% population of our country comes under is below poverty line. So likewise, poverty is one of the major reasons. And I will just mention that what is the policies of the government of India and the policies and what is the consumption of different gases, what are the different sectors. The most prominent sector is the electricity sector, energy sector. It contributes 25% of the emissions. Agriculture, forest and other land use sector contributes 24% emissions. Building 6.4%. Transport is another major sector, 14%, industry 21%, and other energy sector 9.6%. Now, our economic growth in future for the next 25 years will be 8 to 9%, and 40% people will be lifting, from below poverty line. They will be requiring the more need, more energy. That you can think by 2030 we will be having 70% more emissions in our country, and we have to think how to mitigate. We have done the modeling for the government of India. Now there is a meeting in Paris on the COP21 where the major decisions will be taken this year. So government of India has to inform United Nations Framework Convention on Climate Change by September, that how much emissions will be how much gases will be emitted and till 2050, and how we will mitigate those emissions, so that from our organization, we have done for the government of India, and the situation is very alarming. This I will share with you. The present situation I will share with you is India emits 1.79 tons per ton CO2 per capita. US 16.36, European Union 7.9, Russia 12.36, China 7.45. The world average is 4 tons per year. We can say very proudly that Southern government of India is saying very proudly that we are only 1.7 tons, but we multiply into 1200 per capita. So India is the fourth largest emitter in the world. So that India is claiming that on the principle of social equity, that we have to develop per capita is very, very low. But on other side, you see that 40% of our population is not having access to electricity, and we all are having the electricity and all luxuries. So that where the social equity point comes, so that we inside our country we are not at following the principle of social equity, and outside we are taking the social equity also. And the modeling we have done on the basis of that, by 2050 we will not be exceeding 5 tons per capita. Having 8 to 9% annual economic growth, we'll be maintaining this 5 tons. So the outside negotiations, outside world is okay, but inside we are polluting, environment is deteriorating,
So our people have to will suffer, so we have to take care. And then how we can do that? We plan something, we never implement that. In 2008, missions for mitigating climate change have been announced by the Prime Minister of India. Solar mission, mission on enhanced energy efficiency, mission on sustainable habitat, mission water mission, sustainable mission, Green India mission, mission for sustainable agriculture, strategic knowledge of climate. And I will, the annual 40,000 crore rupees was estimated. And I will give you the example of one mission, the Green India mission, where I have more concern. 46,000 crore have been planned for 10 years, 4,600 crore in a year. What is the allocation? 64 crore. That is kind of political commitment for this particular sector, environment, forest, biodiversity, etc. It is a lack of political commitment. And in spite of having provisions in the Constitution of India, Article 41A and even Article 21, Supreme Court of Japan, right to life and property also, and directive principles also, so many things are there. We are having a very strong policy and legal framework for this particular sector. But when it comes to the implementation, and implementation is very, very least. And this year also, the present government is as far as the environment sector is concerned, the present government is a budget government. They have cut the budget of these sectors drastically. And in a meeting with the Prime Minister, the Forest Minister of Madhya Pradesh has said, for the whole country you have kept 400 crore. The budget of Madhya Pradesh Forest Department is 400 crore. But you will take care of the whole country and the 400 crore likewise. So that the government is not doing, then it is responsibility of the citizen of this country to take some initiatives. So what you can take? Some initiatives you can take very easily. Energy efficiency. In our home, in our houses, we can switch off the buttons, use LED. Likewise, energy efficiency is one of the important aspects. Number two, in a house, in a city, we can estimate how much emissions we are doing. We'll try our level best to sequester that. The sequestration is only through the tree planting, because there is a natural process, photosynthesis. Those who are botany students can understand very well. And how much carbon dioxide we are emitting, we have to sequester. And Mr. God mentioned many things. If you estimate how much you are emitting, it will be easier to take many actions for you, how you will sequester that. Now I am coming to the forestry sector. We have a 24% forestry cover in the country, and where we have 22.4% land and 17% population of the globe. So that it is really remarkable to maintain the 24% forestry crop. We can do much more in this direction. Our quality of the forest is degrading. You see the data of the Forest Survey of India, which is based on the satellite images. So now it has not been done manually. So satellite images, whatever the satellite image tells, give you the right picture. But since 2005 to 2013, the growing stock means whatever the stock of the biological stock inside the forest you have is going down. And alarming situation in 2011 and 13, 389 million cubic meters has gone down. So the quality of the forest is bad. We have forest covered, definitely is there. There are definitions. This is jugglery and play of the figures. If 10% to 40% is open forest, if it is open forest, it comes under the forest entry cover. But you see the quality of forest is going down drastically. It means the sequestration aspect has been going down.
so we have to take much care about it. And as far as the sequestration is concerned, we can enhance this to 2 times or 3 times by taking some conservation measures. And only the conservation measures will not work. I will tell you that 300 million people are living in and around. They are deriving their partial or full livelihood from the forest on an unsustainable basis. Here the question will come, what is sustainable, what is unsustainable? And we have done research in 6 states recently. And there is no government department till now have defined the sustainability. Sustainability, if I ask you, you go to the forest and harvest the produce sustainably. You will, the villager will have the question, how much and how? These 2 things you have to tell. The first, there is an estimation, how much you can take out. If you have 100 rupees in your pocket, you cannot spend 150 rupees. If you are spending 150 rupees, 50 rupees are sustainable. Very simple thumb rule we have taken. What is the productivity of the forest? That much only been taken out. How much we are earning? Only that was taken out. And how the techniques have been developed, how you will be taking out so that natural retention will be there. Main problem is that the major cause of the forest degradation is the unsustainable harvest for the livelihood, for the earth. People are saying 700 million people in this country are using your food for the cooking purpose. This is not causing the degradation. What is causing degradation? People are harvesting your food, selling to the bricklayers, selling to the restaurants in semi-urban areas. Likewise, they are earning 100 rupees or 150 rupees in a day. So that we have to take care of the income generating industry. And many other alternate livelihood, so that dependence on the forest will be reduced or be limiting under the sustainable time. So that these are the many actions can be taken. These are the findings, are the research based findings. And here if I say more of a technical thing will not be appropriate and not be doing justice here, but simply I like to say at least we can start from our own house, that energy efficiency is the most important aspect. Number two is, whatever help we can do for the enhancing income of the people who are living in and around forest, if you have an opportunity, you do so. And if I give you the example, what the bureaucracy is doing, I visited one place in Renukoot, Sonmar district of Uttar Pradesh, where we have taken the pilot. 100% population is below poverty line with a red card. And villagers have said that if a fair price shop is open, because the ration will be available at 200 rupees. Because shop is, paper shop is not open and it has black marketed. So that they are cutting good food for 26 days. And over and above, they have said another thing, that we don't want anything from government. We want to rain water and structure so that we can have second crop. So that we will be getting ourselves extra income, cash crop, just like it. So that many rural development schemes are there. Many of us are bureaucrats, many of us are working with them. And we can introspect ourselves how much we are implementing in a right perspective the scheme. Otherwise, 80% of people of this country after the 60 years of the independence will not be earning less than $2. So likewise, somewhere we ourselves are also responsible, we will not be able to implement the plans and schemes in the right spirit for which the schemes have been formulated. So I stop, I invite you, if you have any query and any clarification regarding climate change, forest and environmental issues, please come to us. And I stop here. Thank you very much.
थैंक यू वेरी मच सर. ये हम आपको बता दें कि आज जो यहाँ पर बात हो रही है वो केवल यहीं तक नहीं रहने वाली है, पूरी दुनिया आपको इस समय YouTube पर देख रही है. और आज की ये सारी बातें जब भी चाहें, कोई भी जब भी आपको जानकारी लेनी होगी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर, तो आप ये YouTube पर देख सकते हैं. और हमारे सामने ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे बीच में है डॉक्टर प्रेम वशिष्ठ. आप एनवायरमेंट इकोनॉमिस्ट हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही आप हमारे बीच में हैं. एक्स डायरेक्टर हैं आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आप कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर. तो आपको मैं बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने विचार रखने के लिए. डॉक्टर प्रेम वशिष्ठ, तालियों के द्वारा. जी हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम. गुड इवनिंग श्री गोविंद नारायण जी, मिस्टर गौड़, डॉक्टर शर्मा एंड ऑल दी डिग्निटरीज एंड प्रेजेंट हियर. And I, we also thank and welcome the Federation members. See, I'm one of the residents of Noida. When I heard the Federation is also being represented there, I was really happy. And I'm going to focus only one or two points. One, as Dr. Sharma did talk of climate change, and Mr. Gaur talked of really ground level implementable projects. Now these two things are extremely fascinating, and I simply want to draw your attention that what Mr. Gaur talked about it is something which is implementable at the ground level. I would simply, you know, I'm not going to make a speech. I have my own queries and I have my own point of view. So you kindly forgive me to use this time very briefly. I have only one question to Mr. Gaur. That on the energy side, are you planning something in the field of solar energy? Because when you develop an urban complex, the energy efficiency issue raised by Dr. Sharma is extremely important, and we need not go into details. So my request would be if we can elaborate on the planning of the complexes, how you are going to plan for energy efficiency. But I was very impressed and honestly admire his efforts as far as the garbage disposal issue is concerned and recycling of water. Now from here I take it to another issue from both of them, that there is a very intimate connection between water and energy. There are two sides of it. One, when you draw water or you generate energy through water, whether it's hydro or even a small farmer drawing groundwater for irrigation, you use energy. So energy concept is everywhere. Whether you talk of big hydro projects or you look at the small farmer, or even in Noida, residents are drawing groundwater. Or even if you are not drawing water, when the evening and morning your water comes, the so-called इसको कहते हैं सरकारी पानी आ गया, समझे? आप छोटे-छोटे पंप हर लोगों ने लगाए हुए हैं, and you want the water to go to the third floor or fourth floor, you need energy. So my submission would be here, since the Federation representatives are over here, we request experts like Dr. Sharma and Mr. Gaur, what is the best way to minimize energy use in drawing water from the ground level and also lifting water? Because this is a real problem in urban areas, in rural areas, for agriculture, everywhere. So this is my second submission and request. Well, now let me come to the point that I want to talk about it. So far I simply raise questions. You know, whether you are talking of urban projects or you are talking of rural, I was
very touched by the point raised by Dr. Sharma. You see, poverty is one issue. Now, we are not going to make lectures how to alleviate poverty and what government has done. But I simply want to draw your attention. No matter how elitist your colony is, or no matter how elitist the urban big conglomerates or big setup you develop, there is going to be a slum somewhere nearby you. It's impossible in this country without having a slum. Reason is very simple. Look at the, you know, your city center. I was just coming over from there. Huge construction is going on. Hundreds of rupees are not going to go away permanently. Maybe you shift them from here to another place. But this process is typical characteristic of underdeveloped countries. Now, you keep on shifting them, go to Sector 9 or 10 and anywhere in Noida, is absolutely filthy. Now, the point that I am raising, so long as there is a concentration of poverty, you are never safe in terms of health and in terms of environment. And this is going to be a perpetual problem. So my second question to Dr. Sharma and Mr. Gaur would be, how do you handle that kind of situation when you are developing a big colony and you have thousands of workers? Finally, what do you do for them? You simply keep on shifting them from one place to another. They are going to be there somewhere. Maybe you shift them 1 kilometer, then you shift them 2 kilometers, they are going to be around. No country and no colony is ever safe in terms of health and in terms of environment, so long as this kind of poverty remains. So my request would be, whether you do as a part of social corporate responsibility, or you do as a philanthropist, I think it should be a part of a policy program. It should be an integral part of any policy program, whether it is Noida Authority, or the private builder, or the federation. I think we need to come together and think very seriously, how are you going to handle that situation? Noida is becoming filthy every day and every minute. My last point, my point of view would be, what is the role of community specific? And by community, I simply don't mean welfare associations in Noida or anywhere else. Whether it is a community or the forest dwellers, or the rural communities, or the urban communities. So what are the things that we can implement? And I come back to the point, can as a community of welfare association, what are the things that we can handle from environment point of view? And I repeat, lifting water from the ground level, lifting water from the ground to the top level, which we are using pumps every day, whether it's illegal or legal, we know it. So let's forget about the law, let's do what is doable. Can we open a dialogue with Noida Authority? Can we open a dialogue with experts like Dr. Sharma or builders like Mr. Gaur? What is the way you can minimize the use of energy? To what extent you can use solar energy? What is the role of federation over there? And finally, let us go to the village. Because so if that is environmentally unsustainable, cities like Noida or anywhere else, it is absolutely impossible to make it sustainable. And here, in terms of planning, because the way you have planned is absolute planning. I was looking, just know, because I am from academics and for my own interest, I was looking at, you know, how the Narega has been designed. I don't want to talk of politics or pure economics, but let us see. It is a wonderful design. And I think, if you read the documents very, very carefully, and the guidelines given by the government of India, I have not found a better document than this till today in terms of really going into the guidelines and the role of Gram Sabhas and the Gram Panchayat. The whole thing starts from below. And for the first time, I'm talking of design, not implementation. For the first time, very strong bottom-up approach. That means planning from below and also giving the authority to implement it. Because if you look at NAREGA,
there is a tremendous authority with Gram Sabha. No authority in this country, including the central government, can dismiss the plan or the employment plan given by Gram Sabha. This is the part of the guideline. You cannot dismiss it. And if you dismiss as a higher authority, you got to tell why are you doing it and what is the alternative that you offer. So the block level panchayat, or even the district level, or even the state level, they can only ask them that please make suitable changes, do like this. You have no authority to dismiss it. Now it's a wonderful design. No design is better than this, at least I have come across in the government document. So my question is that as environmental experts like Dr. Sharma, builders who are contributing to the growth of the system like Mr. Gaur, seasoned administrators and policy makers we have here, Shri Yogendra Rai and all that, and academics and my fellow friends from Resident Welfare Association. Can we go back to the ground level that how do you implement those things and why are those things not being implemented? Now to come to the practical things, if as a resident of Noida, I would like to sit and work with our federation that why these things are not being done. You see, we don't want to enter the blame game that you are not doing and I am not doing. Can we sit together for a while that why is it the garbage is not being removed? Why is it that so much energy is being wasted on lifting water? That why is it that there is an unruly way of handling the transport? Everything is leading to pollution. Go there, city center, and look at what the situation is over. It's a mess. It's a total mess. Now, let us not start blaming every authority. So let us go back to the community. So what is the role of community? What are the powers of community? What is the implementation authority of the community? I think we should discuss that. Thank you very much, sir. And I'm glad you gave me so much time. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी सभा है. एक से एक बढ़कर सभी के पास विचार हैं और अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में यदि मैं बताऊँ तो एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों का शायद समावेश अगर एक व्यक्ति में हो जाता है तो कुछ ऐसा ही है उनके बारे में भी. आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, विचारक, दार्शनिक, एक बहुत ही उच्च श्रेणी के अधिकारी और उस सबसे भी ज्यादा एक बहुत अच्छे इंसान. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, हमारे बीच में हैं श्री गिरीश नारायण पांडे जी. उनके बारे में जी हाँ बिल्कुल तालियां बजाने वाली ही बात है. उनके बारे में बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं. किसी भी पुस्तक को आप उठाकर देख लें तो बहुत सारी बातें आपको स्वयं उनके बारे में, जब उनको बारे में आप पढ़ेंगे, उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी. उनके कुछ काव्य संग्रह जो हैं उनका मैं आपको नाम बताना जरूर चाहूंगी. यथार्थ के आसपास, बोलो धर्मराज, कभी होता है किसान, गुरोदा झोपा, धरती जानती है. धरती जानती है इसका तमिल में भी वर्जन पब्लिश हो चुका है. और तख्ती के अक्षर, इसको बहुत ज़्यादा शिक्षा जगत में पसंद किया गया है और बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है आपको. और अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आप बताते हैं कि एक आम के पेड़ के नीचे उनका जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई, बिल्कुल एनवायरनमेंट खुले वातावरण में. उसके बाद में आपने एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ किया, एलएलबी, एमबीए. और इन सब को छोड़ने के बाद में मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं और आज बहुत ही गौरव और
सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच में हैं। मैं अगर ज्यादा कहूंगी तो शायद उनके बोलने का समय कम ना हो जाए, तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। उनके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उनका लिखा हुआ मैंने पढ़ा है उससे यही पता चलता है कि भगवान बनने से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, और आपने वो पूरी मेहनत की हुई है। तो अब मैं रुकती हूँ और बहुत ही सम्मान के साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचार हम सबके साथ करें। आदरणीय योगेंद्र नारायण सर, मंच पर बैठे हुए सभी मित्रों और सब सामने बैठे हुए सभी बेहद आत्मीय प्रिय मित्रों, हम एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे बात करने जा रहे हैं और बड़ा अच्छा टॉपिक है, आज और रेलेवेंट हो जाता है आज की जो भूकंप आया उससे। हम जब एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने आसपास के एनवायरमेंट की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मैन बात करते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में हमारा समाज भी आ जाता है, हमारी व्यवस्था भी आ जाती है, नेचर भी आ जाता है, नदियाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सब कुछ आ जाता है, हमारा देश भी आ जाता है और धरती भी आ जाती है। तो विषय बहुत बृहद है, बहुत अच्छा है और हमारा हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तभी होगी, तभी आएगी जब हम हमारा हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है इसको समझ लें। हमारा हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, अगर हम ये समझ लेते हैं भैया आप चाय इस समय चाय या पानी का सर्विस बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए बात होने दो, हमारा हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, जब तक हम ये नहीं समझते हैं तब तक बात गहरी तरीके से हो नहीं सकती। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा उपहार क्या दिया है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है जैसा ईश्वर ने बनाया था, जैसा ईश्वर ने हमारा शरीर दिया था बचपन में वैसे ही अभी तक सुरक्षित है, बढ़ जरूर गया है लेकिन सारे अनुपात वही हैं। तो वह ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है। आपके मन में तरह तरह के उत्तर आ रहे होंगे, सब सही हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि वह सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है वह है वेदना, पेन, पीड़ा, दर्द, शायद आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर को पीड़ा, दर्द, पेन, वेदना का उपहार दिया है, तो अगर कहीं कुछ उसको खतरा उत्पन्न होता है तो हम उससे बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ हो जाता है तो डॉक्टर वैद्य के पास जाके ठीक कराते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारे बालों को पीड़ा या दर्द का तोहफा या उपहार नहीं दिया है तो हम अपने बालों को कितने तरह तरह से काटते हैं, दाढ़ी मूछ बाल, देखिए शरीफ साहब की दाढ़ी किस तरह की है, तो लेकिन अगर हमारे बालों को पीड़ा या दर्द का उपहार नहीं दिया है तो हम फैशन के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे कितने तरह तरह के रूप बनाते हैं। कल्पना करिए अगर ईश्वर ने हमारे शरीर को भी बालों की तरह पीड़ा या दर्द का उपहार नहीं दिया तो आज फैशन के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे किसी हॉल में कितने तरह तरह के शरीरों के डिजाइन मिलते, जैसे तरह तरह के बालों के डिजाइन मिलते। इस मामले में हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, हम पुरुषों से सरदार जी लोग हम लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं कि वे अपने बालों को उसी रूप में रखने की कोशिश करते हैं जैसा ईश्वर ने उन्हें दिया। तो ये बाल हम अलग अलग तरीके से
रस्ते हैं, लेकिन शरीर को वैसा ही रखते हैं जैसा उसको ईश्वर ने बनाया था, क्योंकि उसे पीड़ा या दर्द का उपहार नहीं है। और ये पीड़ा या दर्द केवल हमें शरीर को सुरक्षित रखने में ही मदद नहीं करता है, हमको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये पीड़ा या दर्द केवल हमको सुरक्षित ही नहीं रखता है, हमको डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। अगर हम एक पेन लेकर इसके निब को यहाँ चुभाते हैं तो दर्द होता है, यहाँ कुछ करते हैं तो दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है और यहाँ शरीर नहीं है। तो मोटे तौर पे परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है, और जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। एक बहुत छोटी सी और मोटी सी परिभाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है, और जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है। अब हम अगर अपने सीमित शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं तो यह एक ईश्वरीय तोहफा, एक उपहार रूप लेने लगता है, संवेदना का, वेदना से संवेदना का, दूसरों के दुख दर्द समझने की क्षमता का, कैपेसिटी टू फील पेन ऑफ अदर्स का। और वो परिभाषा फिर रूप लेने लगती है कि हम जहाँ जहाँ का और जिसका जिसका दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर है। जहाँ जहाँ का हम दर्द महसूस करते हैं वहाँ वहाँ हमारा शरीर हो जाता है, हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर गोविंद नारायण जी जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के, ये सारे एलुमनाई मेंबर्स का दर्द महसूस करते हैं तो वो सब इनकी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। अगर हम प्रकृति का, पेड़ों पौधों नदियों वनस्पतियों चिड़ियों जीव जंतुओं सबका दर्द महसूस करते हैं तो वे सब हमारे शरीर का विस्तार होने लगते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी होने लगते हैं। और यही भाव जब और आगे बढ़ता है, अगर हम पूरे देश से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, सबके दुख दर्द को समझते हैं, तो पूरा देश हमारे शरीर का विस्तार होने लगता है, महसूस होने लगता है। यही भाव अगर और आगे बढ़ता है, हम पूरी धरती से अगर संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं तो पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार होने लगती है, महसूस होने लगती है, या पूरी धरती एक विराट जीवंत शरीर महसूस होने लगती है और हम उसके जीवंत अंग महसूस होने लगते हैं। यही भाव जब और आगे बढ़ता है, एक ऐसा समय आता है जब हम उस कॉस्मिक रियलिटी का एहसास करने लगते हैं और हम सत्य का एहसास करने लगते हैं कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स एक विराट जीवंत इकाई है, यूनिट है। पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवंत पुरुष है, इकाई है, और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। जब हम उस सच्चाई का एहसास करने लगते हैं तब हम कह सकते हैं, उस सच्चाई का एहसास पाते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्म एक जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। लेकिन उस सच्चाई का एहसास केवल और केवल संवेदना के द्वारा संभव है। ज़्यादातर लोग अपने को बड़ा या विराट घोषित करते हैं अहंकार के द्वारा, लेकिन अहंकार रास्ता उल्टा है, सीधा सीधा रास्ता संवेदना का है। और हमारे संवेदना जितनी बढ़ती चली जाती है उतना ही हमारा विस्तार होता चला जाता है। तो हमारा और हमारे परिवेश का रिश्ता केवल और केवल संवेदना के द्वारा है। अगर हम परिवेश के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, परिवेश से संवेदनात्मक रूप से, एनवायरनमेंट से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, तभी हमारा रिश्ता सही है और तभी सस्टेनेबिलिटी आएगी। सस्टेनेबिलिटी तभी आ सकती है जब हमारा रिश्ता हमारे एनवायरनमेंट से संवेदना के द्वारा है। और संवेदना सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि धन में बहुत शक्ति है, बाहुबल में बहुत शक्ति है,
ज्ञान मन में बहुत शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज़ में है तो वो संवेदना में होती है। इसके लिए छोटी सी लघु कथा, फोक स्टोरी मैंने अपने बचपन में गांव में सुनी थी अवधी भाषा में, लेकिन आश्चर्य हुआ जब मैंने दुनिया की सारी भाषाओं की लोक कथाएँ पढ़नी चाहिए तो यही लोक कथा मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, आदिवासी भाषाओं में मिली। सोचिए लाखों साल से अगर एक लोक कथा पूरी धरती पर फैली है और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अलग अलग भाषाओं में दे रही है तो जीवन का कितना गूढ़ रहस्य इसमें छिपा होगा, जीवन का कितना बड़ा मंत्र इस कहानी में छिपा होगा। और कहानी बड़ी छोटी सी है, दो चिड़िया बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पर उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, उसको सोचते हैं आधा आधा बांटने, आधा आधा बांटने के लिए उसे फूटे में रगड़ते हैं, रगड़ने से वह दो हिस्सों में टूट तो जाता है लेकिन आधा हिस्सा फूटे में लगता कोई दरार वगैरह रही होगी उसमें फंस जाता है, आधा हिस्सा जो बाहर का है उसको मैना लेके उड़ जाती है। तोते का आधा हिस्सा जब उस फूटे से नहीं निकाल पाता तो तोता बढ़ई के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि बढ़ई बढ़ई कूटा चीरो, मूटे में दाल बा का नहीं का पी का ले परदेश जाए। ऐसा मैंने अवधि में अपने सुना था, आप लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में सुना होगा। बढ़ई डांटता है, हट तोते तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम कूटाते चीरे। राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, राजा भी डांटता है तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए बढ़ई क्यों डांटते। पूरी चेन चलती है, मैं पूरा नहीं आपको सुनाऊँगा क्यों, संक्षेप में करता चलूँगा। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, रानी डसो सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, सांप मरो लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, लाठी जलाओ वो भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सोखो हाथी भी डांटता है। जब सबसे निराश हो जाता है, अब वह रोते हुए जा रहा है, उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। जब पूरी बात तोता बताता है तो चींटी कहती है चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में कितना है, क्या है, रेंगना, तो हल्के हल्के हाथी के सूंड में घुस के रेंगने लगती है। तब हाथी कहता है जैसा मैंने अपनी अवधि में सुना था कि सूंड में घुसो उसको मत, कोई हमको नदी सोखा बोले। और जब हाथी नदी सोखने जाता है, नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है, लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है, सांप रानी डसने को तैयार हो जाता है, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है, और अंत में राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, उसको दाल खजाना मिल जाता है। ये कहानी जो पूरी दुनिया में है, सारी भाषाओं में, इसमें अगर आप देखिए चींटी की वजह से पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था क्रियाशील हो जाता है, इनएक्टिवेटेड था एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ा लीडर कौन हो सकता है, सबसे बड़ा मैनेजर कौन हो सकता है, सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है, किसी भी एंगल से देखिए उत्तर चींटी ही मिलती है। और ऐसी चींटियाँ ही इस पर्यावरण यज्ञ में कुछ कर सकती हैं। हमारे भाई ने ग्राम स्वराज्य की बात कही, पंचायतों की बात कही, बहुत अच्छी बात कही है, उन चींटियों की ज़रूरत है। और बहुत सारे स्टेट्स में पंचायती राज के इलेक्शन सोच रहे हैं और यूपी में सितंबर अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, ज़रूरत है कि ऐसी चींटियाँ ग्राम समाज के प्रधान या पंचायत के सदस्य बने, तब वो पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरमेंट के काम करेंगे। तो हमें आज ज़रूरत है ऐसी चींटियों की जो एनवायरनमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर सकती है। और जो मैंने कहा कि हमारा और हमारे एनवायरनमेंट का रिश्ता सेंसिटिविटी के द्वारा है, दरअसल दो शब्द बड़े प्यारे हैं, हिंदी में योग और अंग्रेजी में इसका पैरेलल शब्द अगर मैं कहूँ शायद आपको आश्चर्य हो, इंटीग्रिटी। योग और इंटीग्रिटी दोनों पैरेलल वर्ड्स हैं। योग का मतलब योगासन नहीं होता, योग का मतलब जोड़ना और जुड़ते चले जाना, एडिशन समेशन। जब हम सबसे जुड़ते चले जाते हैं तब योग पूरा होता है। हम आपसे जुड़े, आपसे जुड़े, समाज से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, इन्वायरमेंट से जुड़े, नदियों से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े, वनस्पतियों से जुड़े, पशु पक्षियों से जुड़े, धरती से जुड़े,
तब हमारा योग पूरा होता है। और इसी के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो है इंटीग्रिटी। सरकारी विभागों में जब ACR लिखा जाता है तो वहाँ ऑनेस्टी शब्द नहीं पूछा जाता, इसका इंटीग्रिटी कैसा है। और इंटीग्रिटी इंटीग्रेशन से बना हुआ है। इंटीग्रेशन का मतलब ही योग है, जोड़ना, जुड़ते चले जाना। वह व्यक्ति समाज से, अलग लोगों से, सभी लोगों से, एनवायरमेंट से, प्रकृति से, सबसे कैसे जुड़ा हुआ है, कैसा इंटीग्रेटेड है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी किसी आदमी में, किसी व्यक्ति में अगर कुछ हो सकती है तो वह है योग या इंटीग्रिटी। और जिस दिन हम योग करने आ जाएगा, इंटीग्रिटी आ जाएगी, तो अपने आप हमारी रिश्ता एनवायरनमेंट से अच्छा हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा। फॉरेस्ट्री और बहुत सारी बातें शर्मा जी ने बताई। एक चीज़ में से इसे शायद बहस की गुंजाइश है, रीथिंक की गुंजाइश है। पहले भी कभी मैंने पढ़ा था, किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कह दिया था और वही बात आज फिर सुनने को मिली कि पावर्टी इज द मेजर रीजन फॉर एनवायरनमेंट पोल्यूशन। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ पावर्टी। अगर एक पुअर आदमी सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में, जो रिच है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और यह एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया जा रहा है अगेंस्ट पुअर पीपल। एक बाल्टी पानी में हम नहा लेते हैं जब गांव में रहते हैं, दो कपड़ों में, एक कपड़ों में जी लेते हैं और स्लेट पर लिख के पढ़ाई कर लेते हैं, तो हम एनवायरनमेंट को गंदा नहीं कर रहे, फल खाकर रह लेते हैं। दरअसल एनवायरनमेंट को बचाना है तो एक चीज़ और कहूँगा, आज हम खेती पर बहुत निर्भर हो गए हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी ग्रीड है। अगर हम नीड बेस्ड इकोनॉमी ले लें और सेंसिटिव अगर दूसरों के प्रति होंगे तो हम ऑटोमेटिकली नीड बेस्ड हो जाएंगे, ग्रीड बेस्ड नहीं रहेंगे। हम जो हमारे पुअर लोग हैं वो नीड बेस्ड हैं, वो बेचारे कितना पॉल्यूशन करेंगे। पॉल्यूशन तो हमारी ग्रीड की वजह से होता है। गांधी जी भी कहा करते थे इस धरती पर सब लोगों की नीड फुलफिल करने के लिए सफिशियंट है, लेकिन हमारे ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं है। तो हमें अपने सारे एक्शंस को नीड बेस्ड करना होगा। और बेचारे गरीबों को सारी चीज़ों का दोष मण देना, इससे बचना होगा। चीज़ों को इंट्रोस्पेक्शन करके देखना होगा कि वाकई हम अमीर हैं तो क्या हमें नई परिभाषाएं रचने का और नए रिसर्चेस देने का हक मिल जाता है, या आँख खोल करके चीज़ें देखना होता है। इस पर आँख खोलने पर मैं बाद में आऊँगा। हमें बहुत सारे, जब हम होलिस्टिकली सोचते हैं, सबसे जुड़ के सोचते हैं, तो बहुत सारी परिभाषाएँ बदलने की ज़रूरत आती है। ऐसे ही एक परिभाषा बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दुनिया के सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स विन विन प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स विन विन प्रिंसिपल पढ़ाते हैं। स्टीफन कवी की किताब 7 Habits of Highly Effective People में करीब 125 पेज 125 पेज विन विन प्रिंसिपल पे है। और विन विन प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई दो एंटिटीज, चाहे दो इंडिविजुअल्स हों, कॉरपोरेट्स हों, देश हों, एक दूसरे से अगर व्यवहार करते हैं तो चार स्थितियां हो सकती हैं, विन लूज, लूज विन, लूज लूज और विन विन। विन लूज कि हम और चीता विजय जी एक दूसरे से व्यवहार करें, हम सोचें हमारा फ़ायदा हो भले इनका नुकसान हो जाए, ये सोचें इनका फ़ायदा है भले मेरा नुकसान हो जाए, तो ये विन लूज एटीट्यूड है। लेकिन लूज विन, हम सोचें कि आपका फ़ायदा हो भले मेरा नुकसान हो जाए, ये जनरली पेरेंटल और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में आता है। तीसरा है लूज लूज, हम सोचें कि आपका नुकसान हो भले मेरा भी नुकसान हो जाए। और चौथा है विन विन, विन विन जीत जीत, जब दोनों का फायदा हो, दोनों इस माइंड सेट से एक दूसरे को अप्रोच करें। यह एक अच्छा प्रिंसिपल हो सकता है, प्रोवाइडेड जैसे साइंस में या इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जो फार्मूले निकाले जाते हैं तो मान लिए जाते हैं या प्रिज्यूम किए जाते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर दूसरे किसी का इंटरेस्ट डैमेज नहीं हो रहा है तो विन विन प्रिंसिपल अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर दो लोग बाकी लोगों को लूट लें और आधा आधा बांट लें तो क्या ये विन विन प्रिंसिपल अच्छा है? सारे आदमी लोग मिल करके नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं
क्या ये विन विन प्रिंसिपल है, अच्छा है, सारे आदमियों का जो विन विन हो रहा है, दो देश बाकी देशों का नुकसान पहुँचाए और आधा आधा बांट लें दोनों देश, तो क्या ये उन दोनों का विन विन प्रिंसिपल अच्छा है? दो कॉर्पोरेट्स कार्टन बना के बाकी सारे कॉर्पोरेट्स को और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुँचाएँ तो क्या ये अच्छा है? और दुनिया में जितना भ्रष्टाचार है, विन विन प्रिंसिपल पर सब जायज हो जाता है, सारा करप्शन जायज है, जो दे रहा है उसका भला हो रहा है, जो ले रहा है उसका भला हो रहा है, लेकिन बाकी देश का क्या हो रहा है, समाज का क्या हो रहा है, प्रकृति का क्या हो रहा है? तो इस विन विन प्रिंसिपल को जो मैनेजमेंट के नाम पर लूट का प्रिंसिपल और ग्रीड का प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा है, इसको तुरंत बंद करना होगा। और इसको बंद करने के लिए इसको एक्सटेंड किया है मैंने और इसमें थर्ड विन जोड़ा है, और ये थर्ड विन उन दोनों के अलावा उसके उनके इन्वायरमेंट का विन है। अगर वो दोनों के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो समाज है, देश है, प्रकृति है, ये थर्ड विन दरअसल इन्वायरमेंट का विन है। उनके अलावा जो भी, चाहे व्यक्ति का इन्वायरमेंट हो, चाहे नेचर का इन्वायरमेंट हो, उसका विन, धरती का विन। और जब तक ये तीनों विन नहीं होते हैं तब तक हमारी इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी। हम तो ये कहते हैं कि हमारे किसी भी एक्शन को विन 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 की एक कसौटी पे कसा जाए, अगर वो सही है, तीनों पे खरा उतरता है तो वो काम करने लायक है, और अगर नहीं खरा उतरता है तो नहीं करने लायक है। तो विन 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 हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए फ्यूचर का मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगा, ये पूरा मुझे पूरा विश्वास है, और तब हम प्रकृति को बचा पाएंगे। और मेरी छोटी सी कविता है, दरअसल एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग कॉलेज पे बहुत बड़ा सेमिनार था, सारे मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे वहाँ। हमसे पहले एक बम्बई के CEO साहब आए हुए थे और बच्चों को सक्सेस का पाठ पढ़ा रहे। उन्होंने दो पाठ पढ़ाया, पहला कि तुम्हारी सक्सेस तभी मिलेगी, तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम गीता के उस श्लोक को याद रखोगे। उस श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है कि विजय वही होती है जहाँ योगेश्वर कृष्ण होते हैं। श्लोक आप लोगों को याद होगा, विजय वही होती है जहाँ योगेश्वर कृष्ण होते हैं। और दूसरा पाठ पढ़ाया कि अगर अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कभी गलत काम करना हो तो बेहिचक कर डालना, अपने मन पर कोई दोष नहीं या कोई बोझ मत डालना। अपने को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई गलत काम करना हो तो बेहिचक कर डालना, मन पर कोई बोझ मत डालना, ये उन्होंने सीखा। बम्बई के बहुत बड़े CEO साहब। उसके बाद मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े सूत्र दे दिए सफलता के, मुझे अपनी दो छोटी कविताएं सुनानी है, फैसला मैं कुछ नहीं करूंगा, फैसला आप लोग करना। पहली छोटी सी कविता जो मैंने वहां रखी वो आपके सामने भी रख रहा हूं, भविष्य का घर। और ये एनवायरमेंट से सीधा सीधा जुड़ता है, देखिए कैसे। बचेगा आदिवासी ही बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा वनवासी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा आदिवासी ही, बचेगा वनवासी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। अब अगली दो लाइनें हो सकता वो आपको चौंका दे, लेकिन है सच्चाई। वनवासी राम को रावण को हरा देते हैं, वनवासी राम को रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। वनवासी राम को रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन ही होगा भविष्य का घर। ये जो विषय पर चर्चा कर रहे थे शर्मा जी, ये भविष्य का धर्म होने जा रहा है, तो और पर्यावरण संतुलन ही होगा भविष्य का धर्म। जब सुनामी आई तो बहुत लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि पांडे जी आप इस कविता का तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, जो आदिवासी थे वे बच गए और जो टूरिस्ट थे वे खत्म हो गए। आज भी जो ये भूकंप आया है, हम बड़े बड़े मकानों में रहने वाले तो खत्म हो गए या मकान हमारे खत्म हो गए, लेकिन जो पेड़ों के नीचे रह रहे थे वो नहीं खत्म, आदिवासी उन क्षेत्रों में भी बचे हैं। तो इसलिए अगर हम प्रकृति से दूर जाते हैं
तो हमारी सस्टेनेबिलिटी उतने ही डेंजर में आ जाती है। तो मैंने ये कहा उस दिन उन लोगों से कि आपको ये भी सोचना होगा कि हमारे राम और कृष्ण कहाँ विजयी होते हैं और कहाँ नहीं। राम और कृष्ण भी हर स्थिति में विजयी नहीं होते हैं, वे तभी विजयी होते हैं जब वो नेचर से जुड़े होते हैं, एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं। जब राम जंगलों में थे, सबसे जुड़े हुए थे, पेड़ पौधे पक्षी वनस्पति ऋषि मुनि भील वानर सबसे जब जुड़े हुए थे, जब वो सबसे संवाद कर रहे थे, सबसे संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, जब वो कह रहे थे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जब वे सबसे जुड़े थे और सबसे संवाद कर रहे थे, तब वो उस समय की महाशक्ति रावण को भी हरा सके। और जब वो एक केवल राजगद्दी तक सीमित हो जाते हैं, तब फिर वो सबसे जुड़े हुए दो बच्चों से हारने की स्थिति आ जाती है। तो हमें यह भी विचार करना होगा कि हमारे अवतार भी कब विजयी होते हैं, हम तो व्यक्ति हैं। और दूसरी जो उन्होंने बात कही थी कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई गलत काम करना हो तो बेहिचक कर डालना, उस पर फिर मैंने कहा मैं अपनी चार लाइन की छोटी सी कविता सुनाता हूँ और वो कविता यहाँ भी सुना रहा हूँ। हमारे आपके रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर है, हम अपने घरों के आसपास नालियों में पाइपों में पानी बहते देखते हैं, कभी कभी चौक हो जाते हुए या फट जाते हुए देखते हैं। उस अनुभव को याद करके इस चार लाइन की कविता का आनंद लीजिए। गंदा मटमैला पानी बह बहकर स्वयं ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी छेद और स्थान। गंदा मटमैला पानी बह बहकर स्वयं ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि यह आपको तय करना है कि आप साफ पानी बनना चाहते हैं कि गंदा पानी बनना चाहते हैं, रास्ते बनाना चाहते हैं कि रास्ते बंद करना चाहते हैं, व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं या व्यवस्थाएं बंद करना चाहते हैं, या भविष्य के अपने जनरेशन्स के लिए रास्ते और व्यवस्थाएँ बना के जाना चाहते हैं या बंद करके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही थी शर्मा जी ने, सस्टेनेबिलिटी यही है कि हमको धरती जैसी मिली है अगर हम उससे और बेहतर बना के जाते हैं तो यही हमारी सफलता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि समय अच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कलयुग है और ख़राब समय है, इसलिए अब अच्छे काम का कोई नतीजा ही नहीं निकलता, हम क्यों अच्छा काम करें। बहुत सारे लोग गलत काम करने के लिए इस बात का बहाना लेते हैं, जब तो ख़राब समय है या कलयुग आ गया है तो हमारे अच्छे काम का क्या मतलब है। मेरी छोटी सी कविता है, वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा। वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। अगर हम उस माहौल से ज़रा सा अलग हट करके देखें तो हमें समय और ज़माना अब भी उतना ही अच्छा लगेगा। और अगर उसमें कुछ कमी है, उस समय हमारे आसपास कुछ कमियां हैं, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। उसी चींटी की तरह से हम सबको चींटी बनकर ठीक काम करना होगा और इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम लोग को बहुत सारी पुरानी धारणाओं को तोड़ देना होगा, पुरानी मान्यताओं को तोड़ देना होगा, पुरानी परिभाषाओं को तोड़ देना होगा। जैसे यज्ञ, यज्ञ का परिभाषा बदलना होगा। पहले लकड़ी जलाकर यज्ञ किया जाता था, जब जंगल बहुत ज़्यादा थे, रहने की जगह नहीं थी, हम जंगलों में रहते थे, किसी तरह से आग पैदा हो गई तो अपनी सुरक्षा के लिए उसे लगातार जला रहे हैं, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए जला रहे हैं, वो शायद यह उस समय की ज़रूरत थी। लेकिन आज जब पेड़ कम हो रहे हैं, इतना सारा पर्यावरण का संकट आ रहा है, तो पेड़ लगाना यज्ञ है, यह लकड़ी जलाना यज्ञ नहीं है। यज्ञ की परिभाषा बदलनी होगी। हमें अपनी मूर्तियों को जो नदियों में प्रवाहित करते हैं, उस पर पूरी परिपाटी को बदलना पड़ेगा। इससे कभी भी अगर हम नदी में मूर्तियां डालते हैं तो यह एक परिवर्तन हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। यह धर्म नहीं है, अब यह अधर्म है। बहुत सारी चीज़ों की परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। और नदियों को बचाने के लिए जो और काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि इस विचार को आगे बढ़ाएं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमारी नदियां नहीं बचेगी, गंगा नहीं बचेगी, तो हम भी नहीं बचेंगे। मैंने एक छोटा सा अभियान शुरू किया था, खुद किया था, जो कांवरिए करोड़ों करोड़ों कांवरिए अब वो ऊर्जा आ रही है दिल्ली और
मेरठ का रास्ता बंद हो जाता है, बनारस इलाहाबाद का, और इसी तरह बिहार और दक्षिण भारत में भी तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, कांवरिए इतने आ गए हैं। अगर हर कांवरिया अपने दोनों कलश में बहंगे के पानी लेने की जगह पे एक बहंगे में पानी ले और एक कलश पर दूसरे में वही उसी नदी के मीठे जहाँ से पानी ले रहा है उसी के नीचे की मिट्टी ले ले एक कलश, तो अगर करोड़ों लोग हजारों से आगे बहुत सारे साल तक मिट्टी उठाने लगे तो हर नदियाँ गहरी हो जाएंगी, और अगर नदियों का अपना पानी शुद्ध पानी ज़्यादा हो जाएगा, रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो अगल बगल की गंदगी भी साफ हो जाएगी, क्योंकि हर नदी के ओरिजिनल पानी में सेल्फ प्योरिफिकेशन का पावर होता है। तो हम जब भी नदी के पास जाएं, एक कलश मिट्टी ज़रूर लाएं, और जो पानी का जब प्रयोग करते हैं करें ही, लेकिन उस मिट्टी का प्रयोग चाहे खेत में चाहे गमले में चाहे लॉन में करें, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी होती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, बहुत सारी शिक्षा के आयाम भी बदलने पड़ेंगे। जैसे मैंने विन विन और विन विन की तरफ कहा, इसी तरह से एक और बात कही जाती है कंसंट्रेशन के लिए कि चिड़िया की आँख देखो। इस चिड़िया की आँख देने देखने की मनोवृत्ति ने कितना नुकसान पहुंचाया है, ये जो बच्चे सुसाइड करने की टेंडेंसी हो रही है वह सब चिड़िया की आँख देखने की प्रवृत्ति है। आज जरूरत है हमारे टीचरों को कि वह धनुर्विद्या के लिए उतने देर तक तो चिड़िया की आँख देखना सिखा दें, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए अर्जुन से ये भी कहें कि तुम वो चिड़िया भी देखो जिसकी आँख है, वह डाल भी देखो जिस पे वो चिड़िया बैठी है, वह पेड़ भी देखो जिस पे जिसकी वो डाल है, और वह जमीन या धरती भी देखो जिस पे वो पेड़ उगा हुआ है। जब हम सबको देखेंगे और सबसे जुड़ाव महसूस करेंगे तभी सब कुछ होगा। दरअसल अब ज़रूरत है इस देश के 120 करोड़ लोगों को दो रोल एक साथ निभाने होंगे। 120 करोड़ लोगों को भगीरथ बनना होगा और 120 करोड़ लोगों को लोकपाल बनना होगा। एक भगीरथ और एक लोकपाल से काम चलने वाला नहीं है। इस देश में आज 120 करोड़ भगीरथ चाहिए और 120 करोड़ लोकपाल चाहिए, तब हमारी इकोलॉजी और तब हमारा एनवायरनमेंट सस्टेनेबल होगा। इसको एक यज्ञ की तरह से करने की ज़रूरत है। और जो भाई ने वो सवाल उठाया था ग्राम सभाएं, उसके लिए तो अभी से ही यज्ञ होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे लोग, संवेदनशील लोग, ग्राम सभाएं ऐसी बने, सारे लोग ग्राम सभाओं के ग्राम पंचायतों ग्राम प्रधान ऐसे लोगों को बनाएं जो सेंसिटिव हों। इस एक अभियान के रूप में इस बात का बहुत जागरूकता की कमी है गाँव में, कई गाँव में मैंने देखा है। तो हम आप सबका आह्वान करते हैं कि अपने अपने गाँव में जाएं, वहाँ अपने गाँव में और आसपास के गाँव में लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाएं ताकि सेंसिटिव लोग ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान बने। और बातें बहुत हो सकती है लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो रात भर बात चल सकती है। केवल मैं तो अपने गजल के शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। तीन शेर, दो तो परिभाषा है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, या हमें हमारी सफलता या असफलता का क्या राज है। यदि मैं धरती से लेता हूं अधिक और देता हूं कम, यदि मैं धरती से लेता हूं अधिक और देता हूं कम, तो मैं भी शामिल बेईमान हूं। बेईमानी की परिभाषा यही है कि यदि मैं धरती से लेता हूं अधिक और देता हूं कम, तो मैं भी शामिल बेईमान हूं। और इसी को एक दूसरे शेर में कैसे दूसरे पंद में कहा गया है कि जो धरती से लेता है कम और देता है अधिक, जो धरती से लेता है कम और देता है अधिक, उसी बंदे को कामयाब देखता हूँ, उसी बंदे को कामयाब देखता हूँ। बात अनंत है लेकिन मैं अपनी बात यहाँ विराम इस बात के साथ दे रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूँ, मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूँ, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर रही नहीं। मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूँ, अभी तो तेरी मेरी आवाज़ भर रही नहीं। बहुत मुझे लगता है तालियां थोड़ी और बजनी चाहिए।
वैसे तो मुझे लगता है कि हम इतनी सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा आत्ममंथन के लिए मजबूर हो गए हैं। इतनी सारी बातें, इतना सारा जिसको कहते हैं जो दिमाग की भूख होती है, आत्मा की, क्योंकि वो चीज जब हमें सुनने को, जितना जब बुद्धिजीवी वर्ग सारा मेरे सामने इस समय है और जो बातें हमने सुनी, बिल्कुल हम बहुत कई दिनों तक इस पर विचार करते रहे। ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूं। और उनकी कुछ बातें बिल्कुल हम जरूर याद रखेंगे। जैसे अभी उन्होंने आखिर में एक शेर कहा तो मुझे भी तुरंत याद आ गया कि अभी से क्यों निकल आए तुम्हारी आंख में आंसू, अभी छेड़ी ही कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। तो और दूसरी बात कि जो इंसान के अच्छा बनने वाली बात है उसके लिए भी मुझे एक चार पंक्तियाँ बैठे बैठे याद आ गई, तो मैं जरूर अर्ज करना चाहूँगी कि माना कि मंदिरों में भगवान नहीं मिलता, माना कि मस्जिदों में ईमान नहीं मिलता, हम पूजते हैं पत्थर, मजबूरियां हैं ऐसी कि पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता। तो वो इंसान ढूंढने की नहीं, वो इंसान बनने की जरूरत है। ऐसा संदेश जो मुझे आभास हुआ। और मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में न्यायमूर्ति वाई के सिंह जी पधारे हैं। जोरदार तालियों द्वारा आप उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन कर रही हूँ शीतला शंकर विजय मिश्र जी से कि आप बुके देकर उनका स्वागत करें, उनका आभार व्यक्त करें कि वो हमारे बीच में हैं। आप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इससे पहले आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और अब नोएडा के वासी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ बिल्कुल आभार भी मैं कहूँगी कि आप हमारे बीच में हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में एनपी सिंह जी जो कि पुनर्वा यानी कि फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, और तालियां के लिए इसलिए भी जोर से बननी चाहिए कि ये पूरी व्यवस्था आप ही के सौजन्य से है, तो इसलिए आपका आभार, स्वागत, धन्यवाद सब कुछ मैं एक साथ करना चाहती हूँ। और साथ ही नवीन चंद्रा जी से निवेदन करूंगी कि आप माला पहनाकर उनका स्वागत करें और उनको बिल्कुल हम बहुत कृतज्ञ हैं इस बात से कि आपने इतना अच्छा आयोजन सबके लिए किया है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आपसे रूबरू कराना चाहती हूँ आचार्य इंदु प्रकाश जी को। जी हाँ, आप हमारे सामने हैं और जी हाँ, समय बहुत कीमती है और हमारे बीच में श्री मनोज गौड़ जी हैं, उनको एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है तो वो इजाजत चाहते हैं, लेकिन आज के दिन की एक याद, एक स्मृति चिन्ह उनको जरूर भेंट करना चाहेंगे हम। मैं निवेदन कर रही हूँ शीतला शंकर विजय मिश्र जी से कि आप उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री मनोज गौड़ जी को। जी हाँ, तालियों के साथ आप उन सभी उनका धन्यवाद करें कि आप हमारे बीच में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम चाहते थे कि आप हमारे बीच में कुछ देर और रहें, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त वाकई में बहुत कीमती है और हो सकता है आप कुछ कहना चाहेंगे सर। एक तो सॉरी, मेरे को कहीं एक और जगह भी एंगेजमेंट था, आई लव टू सिट हियर एंड बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हो रही है। कुछ दो सवाल मेरे से पूछे गए थे एनर्जी सस्टेनेबल के बारे में, क्या हम कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया का ये पार्ट है, ये सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है सस्टेनेबल है। तो अभी हमने जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसको हमने सोलर एनर्जी से टाइप किया है। स्पेशली शुरुआत हमने करी है अपने जो ऑफिस में 100 किलोवाट का ऑनलाइन सोलर सिस्टम लगाया। अभी US से हमने टाइप किया है कंपनी से, क्योंकि कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा थी, तो कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए अभी ऑनलाइन सिस्टम हमने किया है, क्योंकि स्टोरेज की कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन दिन में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे दिन में लाइट ज़रूरत है, जितने भी मॉल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितने ऑफिसेज हैं, उसमें दिन में ही लाइट की ज़रूरत है, रात में लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात में क्लोज हो जाते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, दिन में जितनी भी लाइट की ज़रूरत है उसको हम सस्टेन कर रहे हैं अपना सोलर एनर्जी से। इसी तरह से जितने भी हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं
जिसमें खासकर बेसमेंट में जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पे दिन में भी लाइट की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी एनर्जी उसको सोलर से हम जो है टैप कर रहे हैं। प्लस एक और डिजाइनिंग का हमने पार्ट लिया, उसमें अभी एक रिसर्च चल रही है जिसमें कुछ यूएस के साइंटिस्ट हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स आप देखते हैं उनके जितने भी फसाड्स होते हैं वो सारे ग्लास के होते हैं, उस ग्लास के फसाड की वजह से उनमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। और तो हम अभी जो है यूवी प्रोटेक्टेड लेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो दैट हीट कम पेनिट्रेट करें, बट हमने उनको एक टास्क दिया है कि क्यों ना हम बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरह से शेप कर लें दैट एंटायर ग्लास सोलर पैनल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम सोलर पैनल उसके फेस पे लगाएं, उससे जो इतनी भी एनर्जी आए तो एक तो जो एलिवेशन है वो भी मेनटेन हो जाए और वो सारा ग्लास जो है सोलर पैनल में कन्वर्ट हो जाए, तो सारी एनर्जी जो स्पेशली साउथ फेसिंग बिल्डिंग्स हैं वो उसकी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उन बिल्डिंग्स की। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप, एक स्वच्छ भारत वाला अभी अभियान है जिसमें बहुत सारे टॉयलेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और अभी सब लोगों ने बहुत सारे टॉयलेट बनवाए, लेकिन जब हमने उसकी स्टडी करी डीपली जाके 80-90% टॉयलेट्स आर नॉट वर्केबल बिकॉज ऑफ द वाटर शॉर्टेज। बन जाते हैं लेकिन वो बाद में जो है वो गार्बेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई यूज़ नहीं करता क्योंकि पानी नहीं होता। तो जितने हम टॉयलेट सब बना रहे हैं CSR एक्टिविटीज़ के अंदर भी और जितनी भी साइट्स हैं उनकी जितने भी हमारे विलेजेस हैं उनमें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें सब में हम सोलर सिस्टम लगा के टॉयलेट बना रहे हैं सो दैट उसका वाटर पम्प और उसकी लाइट वो सोलर से कनेक्टेड हो, गाँव में लाइट होती नहीं है, सो दैट वाटर अगर अवेलेबल रहेगा तो वो सस्टेनेबल रहेंगे। तो जो भी हम काम करें वो सस्टेनेबल जो आपका सब्जेक्ट है कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कैसे रहेगा, लॉन्ग टर्म में वर्क कैसे करेगा, अगर इन चीज़ों को डिजाइनिंग स्टेज पे अगर हम करते हैं स्पेशली उसमें हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियाँ या जो घर बनाने से जुड़ी कंपनियाँ हैं अगर ये अपने डिज़ाइन पार्ट में इस तरह की टेक्नोलॉजी को करती हैं तो सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट दोनों साथ किया जा सकता है। अभी पांडे जी ने भी कहा खैर आदिवासी और वनवासी बन के आज के युग में रहना तो पॉसिबल नहीं है, वो जरूर बनेंगे, लेकिन अच्छी बिल्डिंगें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंगें और अच्छे एनवायरनमेंट के साथ अगर दोनों मिलके बनाई जाएं तो वो भी पॉसिबल है। हम जरूर इस दिशा में प्रयास करेंगे कि ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा सके जहाँ पे विकास और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ जो है चल सके। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जैसी घटना नेपाल में अभी अभी न्यूज़ हम देख रहे थे कि 876 लोग मारे गए आज के भूकंप में और यहाँ पर भी 34 लोगों की खबर अभी तक मिल पाई है आज के भूकंप में जो लोग हताहत हुए हैं। तो ये तो एक दैवीय आपदा है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है, लेकिन हाँ कोशिशें जरूर की जा सकती हैं कि जैसे भूकंप रोधी बिल्डिंग वगैरह जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें अपनों को बचाने के लिए। और इस बीच में हमारे बीच में P7 न्यूज़ से प्रभात कुमार पांडे जी हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप इस हमारे कार्यक्रम में आए। मैं यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने जिनका परिचय आपको दिया, इंडिया TV पर आप उन्हें रोज़ देखते हैं, प्रसिद्ध भविष्य वक्ता हैं, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय होता है आचार्य इंदु प्रकाश जी का। और एक बार बताऊं किसी से जब आप अगर देखें कहीं ट्रेन में बैठे हैं कोई आसपास आपको नहीं जानता, आप अगर किसी को ये पता चल रहा है कि वो आपका भविष्य बता सकता है या हाथ देख सकता है तो पूरी भीड़ उसके आसपास सब फौरन आ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब लोग चिंतित होते हैं अपने भविष्य के लिए कि कल क्या होने वाला है, पूर्व में क्या हुआ है वो हम सभी जानते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप हमारे बीच में हैं, आज आप हमें क्या बताने वाले हैं कि हम आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। वैसे तो हमारा जो टॉपिक है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भविष्य के बारे में क्या कैसे जाना जा सकता है और कैसे पता लगाया जा सकता है। एक प्रश्नता कर रहा हूँ सर, माफ कीजिएगा, आपका अनुज हूँ, आपका सहपाठी हूँ, हम और इंदु प्रकाश जी एक ही समय में सर सुंदरलाल छात्रावास के छात्रावासी थे और भविष्यवाणी तो हम लोग इनकी रोज टीवी पे सुनते हैं, जो लोग नहीं सुनते यहाँ बैठे हैं शायद वो कल से जब मौका मिलेगा सुबह 7:30 से 8 सुनेंगे। इनका एक क्रिएशन ज्ञानवाणी जो मासिक पत्रिका है वो हम इनको आज ज्ञानवाणी में सुनना चाहते हैं। सरस्वती पुत्रों का यह सम्मेलन है, भविष्य की हमें चिंता नहीं है, ऐसे ऐसे भूकंप आते रहेंगे और हम लोग सृजन आगे करते रहेंगे,
इनके मुख से हम उनकी उस मासिक पत्रिका की भूमिका में उनकी ज्ञानवाणी का शब्द को यहाँ पे सुनना चाहेंगे सर प्लीज। एनपी सिंह सर प्लीज आप मंच पर स्थान ग्रहण करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उद्घोषिका जी, परम सम्मानित सभाध्यक्ष। एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर आंधी आ चुकी हो और एक सिन्नी फैन से कहा जाए कि हवा पैदा करो, कैसे करें? अगर सूरज उगा हुआ हो तपती दोपहर हो और एक दिए से कहा जाए कि दो शब्द कहो, क्या करें? परम सम्मानित गिरीश नारायण पांडे जी के बोलने के बाद लगता नहीं कि बोलने के लिए कुछ बचा है, लेकिन आदेश सराकों पर पांडे जी ने तारीफ की मनोज गौड़ जी की, बड़ी जेन्युइन बात है। गौड़ जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, सबसे अहम ये है कि वो कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन मनोज गौड़ जी कर रहे हैं। तो मनोज गौड़ जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वो नहीं है जिसकी पीठ पीछे प्रशंसा होती है, वो वास्तविक प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि ये मुंह देखी नहीं। परम सम्मानित पांडे जी ने जेबी शर्मा जी के लिए कहा, जेबी शर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा वेरी सस्टेनेबिलिटी, यू कॉल यू जस्ट टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? ये सवाल इसके पहले जे कृष्णमूर्ति ने हम लोगों से पूछा था। हम लोग कुछ मित्र, उनमें कुछ लोग कॉलेज में लेक्चर थे, कोई इंजीनियर था, हम तब कहीं कुछ नौकरी करते थे। ये हुआ कि जे कृष्णमूर्ति का हम लोग लेक्चर सुनने गए, तो हम लोगों ने एक लेटर दिया कि वी वॉन्ट टू सेट विद जे कृष्णमूर्ति इन साइलेंस। शाम को 6 बजे राजघाट रोड वाराणसी बसंत कॉलेज में टाइम मिला, शाम को 6 बजे कृष्णमूर्ति आए। उन्होंने पूछा कि व्हाट फॉर यू पीपल हैव कॉल्ड मी हियर, तो एक मित्र थे थोड़ा चक्के बोले, गाजीपुर में लेक्चरर थे वो फिलोसफी के, उनका सर वी वॉन्ट टू सेट विद यू इन साइलेंस। तो जय कृष्णमूर्ति ने बड़े भोलेपन से उनकी तरफ देखा और पूछा, सर डू यू नो व्हाट इज साइलेंस? तो व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? इट्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड नन ऑफ अस आर जस्ट टू डिटरमिन व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, एंड इट हैज टू बी डिटरमिन्ड बाय अस। पांडे जी ने जेबी शर्मा की तारीफ की और कहा कि जेबी शर्मा तो जिस चीज की बात कर रहे हो वो आने वाले समय का धर्म है। पांडे जी इतिहास गवाह है। एक उपन्यास पढ़ा था मैंने महर्ष वो आचार्य चतुर्सेन का वयम रक्षामः, उसमें शुरू में ही कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा, तुम में से सृष्टि की रक्षा का भार कौन लेगा? जिन्होंने सृष्टि की रक्षा का भार लिया वे राक्षस कहलाए। राक्षस का मतलब यह नहीं था जिनके सिंह पूछ निकली हो। और वैवस्वत औलत रावण ने अपने पिता से पूछा कि हमारा धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा जब वो बड़ा हुआ और पढ़ लिख चुका तो अपने पिता से उसने अपने धर्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा सृष्टि की रक्षा का भार हमारे कंधे पर है, हम सृष्टि के रक्षक। तो तीनों लोगों में घूमता फिरा, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट और सृष्टि की रक्षा करने वालों के मुकाबले विकासवादी देवता हमेशा से भारी पड़े हैं, और विकासवादियों ने खुद को देवता की पदवी दी है और वो हमेशा भारी पड़ते रहे हैं। हमें इतिहास से ये सबक लेना होगा और आगे हम राक्षस न कहलाएं और हम अपने आप को मेंटेन कर सकें और हम सृष्टि की रक्षा कर सकें, इसका हमें खास ख्याल रखना। परम सम्मानित पांडे जी की एक छोटी सी बात और दिल में घुस गई, पीपुल टॉक ऑफ पॉवर्टी, बेचारे गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, गरीबों को दोष क्यों देते हो? मेरा बड़ी विनम्रता से सर झुकाकर अनुरोध है, सर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट गरीबों, दे आर टॉकिंग अबाउट गरीबी सर। वी हैव अगेंस्ट गरीबी, हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो गरीब गरीब रहें, हम चाहते हैं कि वो अमीर हों और हमारे बराबर आके बैठे, हमारे साथ आके बैठे, हमारे बगल पर फ्लैट कर रहे। तो हम जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस तबके से नहीं होता, उस तबके को हम दोष नहीं देते कि तुम कितना कूड़ा कचरा क्रिएट करते हो, हम उन परिस्थितियों को दोष देते हैं जो एक खास तबके को कूड़ा कचरा क्रिएट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस पर हमें सोचना होगा। एक बात और पांडे जी ने कही, उसमें तो मैं चक्कर ही खा गया बिल्कुल। अब पांडे जी अद्भुत ज्ञानी पुरुष हैं
और उनके किसी बात पर उंगली उठाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने पाठों को बदलना होगा। अब वो समय गया जब एकलव्य ने कहा कि देखो क्या दिख रहा है, अर्जुन ने चिड़िया की आँख, अब उन्हें बताना होगा कि भाई सिर्फ चिड़िया की आँख ही नहीं, चिड़िया भी है, डाल भी है, पेड़ भी है। मेरा विनम्र निवेदन ये है कि मैंने तो यही पढ़ा था कि 105 में 5 पांडव 100 कौरव केवल एक को चिड़िया की आँख दिखी थी, बाकी सबको डाल भी दिखी थी, चिड़िया भी दिखी थी, सब कुछ दिखा। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास में सब कुछ छिपा है। और आज जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो लेट अस थिंक वन मोर, एक और आयाम की चर्चा करें। हम अपनी जिंदगी का 80% वक्त इनडोर में गुजारते हैं और जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम आउटडोर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। भाई ये दीवारों में जो केमिकल लगा है, जो पेंट लगा है, इसमें कौन सा केमिकल है? जिस सोफे पर आप बैठे हुए हैं वो कहाँ धुला है, किस डिटर्जेंट से धुला है? उसमें जो लेदराइट लगा है वो आपके खाल को कितना नुकसान या फायदा पहुँचा रहा है? और जो कपड़ा आपने पहन रखा है वो जहाँ धुलने जाता है उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? और वो जो तमाम एसी लगे रहते हैं, एयर कंडीशनर, बहुत जगहों पर तो वो फुली एयर कंडीशन होता है, उसमें जो चूहे का मल इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि हमारे देश में प्रोफेशनल्स नहीं है उनको साफ करने के लिए, हम लगा तो लेते हैं एयर कंडीशन, उसके साथ जो माइक्रोब्स आते हैं जो हम सांस के साथ हमारे अंदर जा रहे हैं उनकी चर्चा हम कभी नहीं करते, कभी भी नहीं। तो समेकित चर्चा से, इंटीग्रेटेड चर्चा करने से ही काम बनेगा, केवल आउटडोर एनवायरनमेंट से काम नहीं बनेगा, हमें इनडोर एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना होगा। मुझे ख्याल है कि जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था उस समय 89 साइंस कांग्रेस लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई थी और उस पर मैंने एक पेपर भी पढ़ा था और उसमें एक अपनी एक स्टडी प्रेजेंट की, वो इनडोर एनवायरनमेंट के बारे में थी जिसको लेकर गुजरात की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो चूँकि साइकोलॉजी के पर्सन थे तो उन्होंने कहा तो यू आर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, सिट डाउन, सिट डाउन, यू डोंट अलाउ, यू कांट अलाउ यू। अरे भाई हम बात को सुन लो, हमारी सुनने को राजी नहीं थे। देयर इज नथिंग बियॉन्ड फाइव सेंसेस, नो नो, सिट डाउन। बड़ी मुश्किल से पेपर पढ़ने को मिला। वो स्टडी क्या थी, 23 अक्टूबर 1998 मकान नंबर MMS 2/22 सेक्टर सी जानकीपुरम जो मेरा घर था, उसमें सुबह लगभग 7 बजे ब्रश करते समय अचानक कान भटक गया और वो नल खुला रह गया और सिंक से पानी बाहर गिरने लगा, कपड़े भीगे, ख्याल आया, नल बंद किया, पानी क्यों भर गया? अपनी धनपत्नी से निवेदन किया प्लीज देखो उसमें कुछ है, उन्होंने तुरंत हाथ डाला अंदर से एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकाला। अरे भाई कर एनी वे, जब पानी तेजी से नीचे जा रहा था तो हमने देखा कि पानी क्लॉक वाइज नीचे जा रहा है, तो उस समय तो अच्छी फिर याद आया कि हर बार क्लॉक वाइज जाता है नीचे। तो जब घर से सब लोग चले गए और मौका मिला तो हमने फिर उसमें पानी भरा और फिर देखा, और ऐसा एक एक करके हमने कई दिनों में 100 बार किया और 100 बार पानी क्लॉक वाइज नीचे गया। तो पानी क्लॉक वाइज नीचे क्यों जाता है, ये प्रॉब्लम लेके हम संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के डीजन हार्ट कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर नकुल सिन्हा के पास गए। उनसे हमने कहा सर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। सुना उन्होंने हमारी बात, भाई मैं तुम्हें औखेली परमिट नहीं कर सकता तो तुम अपना औखेली कर लो। तो क्या है कि सन मूव्स अराउंड, अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड सन अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, इसलिए अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रॉपर। यानी 10 हार्ट पेशेंट को हमने लिया, उन्हें होल्डर पहनाया, उन्हें 100 सीढ़ी क्लॉकवाइज चढ़ाया, 100 सीढ़ी सीधे चढ़ाया, 100 सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज चढ़ाया। जो क्लॉक वाइज सीढ़ियाँ थी उनमें हार्ट होल्डर लगा के मतलब कॉन्टिन्यूस किसी चीज हार्ट पे जो प्रेशर था वो 3.6 था, जो सीधी थी उनमें 9.7 था और जो एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ थी उसमें 27.8, यानी टेंटेटिवली 10 गुना ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। तो अगर हम अपने घर के इनडोर एनवायरनमेंट में क्लॉक वाइज सीढ़ियाँ बनाएँ, अगर हम अपने दरवाजों को क्लॉक वाइज रखें, इसमें क्या बुराई है? हमारा जो सनातन धर्म की जीवन पद्धति है उसका वास्तु शास्त्र यही कहता है, लेकिन अगर वास्तु का नाम ले लेंगे तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, नो नो वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, नो नो दिस इज गोल्डन, नो 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 इट हैज नो साइंटिफिक वैलिडिटी।
हमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमें आउटडोर एनवायरनमेंट ही नहीं, हमें इंडोर एनवायरनमेंट में करेक्शन की जरूरत भी है और हमें इंटरनल एनवायरनमेंट पे भी करेक्शन की जरूरत है। ये शब्द तो आज तक भी गूगल पे सर्च करिए कहीं नहीं आया। इंटरनल एनवायरनमेंट की बात किसी ने नहीं की। व्हाट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, हाउ यू गेदर काइनेटिक एनर्जी, आप खाना जो है खाते हैं दैट योर इनटेक इज स्टैटिक एनर्जी एंड हाउ यू गेदर काइनेटिक एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एनिमल सेल दिस स्टैटिक एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। वहां पे इलेक्ट्रॉन टूटता है, उस पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वेव्स पैदा होती है। हमारा ऋग्वेद बताता है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो वेव्स ऑफ विल हैं, वेव्स ऑफ विश हैं, इच्छा की तरंगे हैं। द्वितीयक और तृतीयक तरंगों के बारे में वेद में क्या लिखा है हम अभी समझ नहीं पाए, या हमारे वैज्ञानिक से ही समझ पाए। प्राथमिक तरंग के बारे में तो हम भी समझ गए हैं, हमारे साइंटिस्ट भी समझ, और वो जो इच्छा की तरंगे हैं वो एक इंडिविजुअल की बायोक्लॉक और उस प्रमाइसिस में रहने वाले हर आदमी की कलेक्टिव बायोक्लॉक एंड देन इफेक्ट करती है सोसाइटी की कलेक्टिव क्लॉक, एक एटमोसफियर तैयार करती है जो प्रो एनवायरमेंट को। एनीवे लंबा होता जा रहा है, माफ कीजिएगा। रात भर की चर्चा करने के लिए तो हमारे बड़े भाई पांडे जी ही काफी थे, मैं तो बस हाथ जोड़ने के लिए खड़ा हुआ था, और कभी मौका मिला तो हम लोग चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। और अगर हम में से हर एक नहीं चेता तो अब जो बौने लोग हैं जो थोड़े से नफे के लिए अपना काम कर रहे हैं, उन बौने लोगों की छाया लंबी हो जाएगी। मुझे याद है मैं जब लखनऊ में था तो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया था, एक सिंपोजियम, एक इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था वॉलेंटियरिंग पर। उसमें व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी ऑफ वॉलेंटियरिंग, इसका पेपर लेके मैं लखनऊ पे आया था, और वो सेमिनार बड़ा गजब का था। उसमें सोशल साइंटिस्ट 2003 में इस बात को लेकर चिंतित थे कि देयर इज ए ट्राइंगल, स्टेट इज ऑन द एपेक्स, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी, ये दो अलग एंगल है उसके। अभी धीरे धीरे मार्केट इज गोइंग ऑन एपेक्स, इवन मार्केट जो है जो कैपिटलिस्ट है वो स्टेट पे भी काबिज होता जा रहा है, और कैपिटलिस्ट जब एपेक्स पे पहुंच जाएगा, जब मार्केट एपेक्स पे पहुंच जाएगा, तो व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट इन द सोसाइटी। मार्केट इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर, वो केवल उद्यमी के लिए नफा हासिल करने से ताल्लुक रखता है। जैसे अभी पांडे जी ने कहा ना कि मुंबई गए थे, वहां पे एक सीईओ ने दो बातें कही, एक तो उसने कहा कृष्ण वाला का लाभस्तस्य जयस्तस्य कुतस्ते शाम पराजय ये शाम हिंदी वर शाम जनार्दन। इसके अलावा उसने कहा कि अपना फायदा हासिल करने के लिए तुम जा सके कुछ भी कर सकते हो। पांडे जी मेरा निवेदन है, वो बड़ा ऑनेस्ट था, वो बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा था, हम में से ज्यादातर करते यही है, कहते नहीं। तो अभी जो स्थिति बनती जा रही है, मार्केट इज गोइंग ऑन एपेक्स, और वो उसका कोई लेना देना नहीं है। सो स्टेट लुक्स आफ्टर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लेकिन मार्केट का कोई लेना देना वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से नहीं है। ऐसे में क्या होगा, हु विल लुक आफ्टर द सोसाइटी, इट इज द वॉलंटियर्स हु हैव टू कम अप, वॉलंटियर्स हैव टू कम अप, people like this Manoj Gaur has to come up, academicians like J.B. Sharma have to come up, philosophers like Girish Chandra and Pandya have to come up, and the person like me has also to follow them, मुझे भी उनके पीछे चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा समाज तबाही की ओर चला जाएगा, और इन छोटे छोटे लोगों की छाया लंबी हो जाएगी, और पांडे जी की पदचिन्हों पर चलते हुए सिर्फ दो लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। जब पौने मनुष्यों की छाया, जब पौने मनुष्यों की छाया लंबी होने लगे, तो जानो कि सूरज डूब रहा, यानी व्यवस्था का अंत हो रहा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय पर्यावरण। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बड़े, जैसा कि आपने शुरुआत करी कि सूरज तेज चल रहा हो और दीपक से कहा जाए कि आप भी वो करें, तो शायद कुछ ऐसी स्थिति इस समय मेरे साथ भी हो रही है। इतना प्रबुद्ध वर्ग, इतने बुद्धिजीवी लोग, उनके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन सा होता चला जा रहा है। हमारे बीच में जस्टिस
वाई के सिंह जी हैं, पहले तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं चाहती हूँ कि आप कृपया यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करें। सॉरी वाई के सिंह जी, जी मैंने मुझे लगा कि मैंने कहीं नाम तो गलत नहीं बोल दिया, मैं चेक कर लूँ एक बार। प्लीज प्लीज। और जस्टिस यतिक सिंह जी आप मंच पर स्थान ग्रहण करें, और साथ ही हम आपके विचार भी जरूर सुनना चाहेंगे आज के दिन इस समय, आज जब सब यहाँ पर अउवा के लोग हैं। एनपी सिंह जी आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें, तभी ये पूरा मंच है वो पूरा होगा। मैं बता देना चाहती हूँ कि कैपिटल वन टीवी पर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस समय इस कार्यक्रम का। जितने भी यहाँ पर विचार हैं वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आगे बहुत दूर तक ये जा रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। एक किसी ने मेरे पास चिट भेजी है, उसको मैं पढ़ के जरूर सुनाना चाहती हूँ यहाँ पर। इन्होंने भेजा है घनश्याम पुष्प मित्र, साहित्यकार पत्रकार जो कि संस्थापक भी हैं श्रीमद् ज्ञान योग सत्संग के। इन्होंने लिख के भेजा है कि किसी का स्वागत फूलों से क्यों, संवेदन मन से किया जाए तो मानवता जीवित रह पाएगी। पर्यावरण के व्याख्यान में पुष्पों का दुरुपयोग मानव मूल्यों के लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए तालियां जरूर बजानी चाहिए। बहुत अच्छी सी बात कही है। लेकिन जनाब एक छोटी सी बात मैंने पहले भी कही थी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम कुछ और तरीके से निकाल लेते हैं। अब आपकी बात में एक शेर तो मैं जरूर कहूंगी, तभी मन से हटूंगी। किसी ने कहा कि मैं लफ्ज ढूंढ ढूंढ कर थक गया दोस्तों, मैं लफ्ज ढूंढ ढूंढ कर थक गया दोस्तों, वो एक फूल देकर बात का इजहार कर गया। तो कुछ ऐसी सी ही बात है। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ जस्टिस यतीन्द्र सिंह जी से निवेदन करूंगी कि आप कुछ कहें आज के दिन, अपनी तरीके से अपनी बातों का इजहार करें। नमस्ते, मेरा नाम यतीन सिंह है, और पहली बार जब मैं खेलने के लिए गया तो मेरे बड़े भाई ने मेरा नाम वाईके सिंह दे दिया, तो विश्वविद्यालय में मैं वाईके के नाम से जाने जाने लगा। हालांकि और तभी से लोग तो मुझे जस्टिस वाईके सिंह कहने लगे, वास्तव मेरा नाम यतीन सिंह है। मैं मुझसे बोलने की थे तो नहीं कहा गया था, अचानक ही मुझसे यहाँ कहा गया। मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी थोड़े से कठिन कंसेप्ट हैं, और हम लोग ने एक सिद्धांत एक हम लोग ने जो सीखा वो ये है कि जो पृथ्वी माँ है ये हमको अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, ये पृथ्वी माँ हमने अपने बच्चों से उधार ले रखी है। तो हमारा जो भी कदम हो, हम जो भी कार्य करें, इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए करें। यदि हम इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए करेंगे तो हमारे सारे कदम सही। धन्यवाद। और अब अंतिम चरणों में है हमारा ये कार्यक्रम, उसके बाद में भोजन की खुशबू यहाँ तक आ रही है, वो भी बिल्कुल तैयार है। मैं अब जिनको यहाँ पर बुलाना चाह रही हूँ वो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में मैं बता दूँ, बहुत ध्यान से बहुत ही खामोशी के साथ वो पूरे सबके विचार जो हैं वो सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी उनके लिए कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अब अगर बात उनके हुनर की जाए तो मैं उनके बारे में कुछ जरूर बताना चाहूँगी। उनके बारे में तो आप अगर नेट पे भी सर्च करें, यहाँ पे जितने भी हमारे महानुभाव बैठे हैं किसी का भी नाम आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, विकिपीडिया पर, कहीं पर भी, तो उनके बारे में पूरी जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो कुछ आपको उनके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। डॉक्टर योगेंद्र नारायण आप BSc, MA, MPhil और PhD हैं, और वो संस्थापक हैं ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर नारायण सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी जनरल फॉर राज्यसभा, द अपर हाउस
of the Parliament of India. He retired from the Indian Administrative Services after serving for over 42 years. He has worked in various capacities in the administration in the state of Uttar Pradesh and the Government of India. He served as the Principal Secretary of the Governor of Uttar Pradesh as Secretary. Ministry of Surface Transport, Government of India, Chief Secretary of Government of Uttar Pradesh and Defence Secretary to the Government of India. और भी बहुत सारी जानकारी and presently Yogendra Narayan ji, Independent Non-Executive Director, Chairman of Employees Stock Option Scheme, ESCOS. Compensation Committee, Chairman of Corporate Social Responsibility Committee, Member of Audit Committee, Member of Stakeholders Relationship Committee and Member of Nomination and Remuneration Committee, Reliance Power Limited. तो जी ये तो रही इनके बारे में जानकारी, लेकिन इनके बारे में हम और ज़्यादा जान पाएंगे जब इनको सुनेंगे. तो अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ आपसे कहती हूँ कि अब आप आज के विषय में अपने विचार रखें और जोरदार तालियों द्वारा आप सभी उनका स्वागत करें, सम्मान करें. थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. मैं बहुत आभारी हूँ और मैं बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले नवीन जी को, दिनेश जी को, कि उन्होंने पहल की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई सेशन की स्थापना नोएडा में की. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जगह जगह फैले हुए हैं. हमारे दिल्ली में भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनाई सेशन अलग है, गाजियाबाद में भी अलग है और ये नोएडा में भी अब स्थापित हो गई है. और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज द ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट, तो जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है सेमिनार्स के रूप में, डिस्कशंस के रूप में, वो और गति से आगे बढ़ेगी. क्योंकि किसी भी संस्था की पहचान होती है उसके जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं उससे. और आज जो आपने सभी वक्ताओं को सुना, मुझे आभास हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रियली ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्यों कही जाती थी, क्योंकि आज जो आपने जो विचार सुने, जो सुझाव दिए गए हैं और जिस गहराई में लोग गए हैं, मुझे बहुत ही एक आश्चर्य भी हुआ और एक एक प्राइड हुई, मुझे एक गर्व हुआ कि हमारे हम ऐसी यूनिवर्सिटी के हैं जहाँ की हम लोग रियली सही रूप में अच्छे जो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन थी उसको भी हम कायम रखते हुए हैं. आज जो विभिन्न वक्ताओं को आपने सुना, मैंने उनके विचार भी नोट किए, तो मैं बोलना तो बहुत चाह रहा था पर जैसे आचार्य जी ने कहा था, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है. बाहर आपका डिनर तैयार है और मैं उसके बीच में रास्ते में नहीं आना चाहता. तो अगर मैं बहुत देर बोला तो इंटरनल एनवायरनमेंट तो खराब हो ही जाएगा. और बड़ा अच्छा वहाँ आ रहा है, तो मैं केवल तीन बातें कहना चाहूँगा. एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें व्यक्ति को देना चाहिए, इंडिविजुअल, जहां तक कि एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बात है. कानून बहुत बनते हैं, गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं फिर आती है, पर जो आम आदमी है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, पर जो आम आदमी है, जो साधारण व्यक्ति है, जो शहरों में या गांव में रहता है, उसमें अगर आप जागरूकता पर्यावरण की और सस्टेनेबिलिटी की नहीं लाएंगे, तब तक ये सब कानून वानून आप बनाते रहिए और रेगुलेशन बनाइए, उसका कुछ फायदा नहीं. क्योंकि 120
करोड़ लोग जैसे पांडे जी ने कहे यहाँ रहते हैं, और तब भी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, एनवायरनमेंट हमारा खराब होता जा रहा है। क्यों है? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है कि किस तरह एनवायरनमेंट को संरक्षित किया जाए, कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए। इसलिए सबसे पहल हमारी स्कूलों कॉलेजों में होनी चाहिए, और हमारे जो पंचायतें हैं उनमें जो सदस्य हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर अभी नहीं है, वैसे तो वो लोग जो गांव में रहते हैं उनको ज़्यादा जागरूकता रहती है पर्यावरण की, परंतु जो अगर जो आधुनिक एक ज्ञान मिला है एनवायरनमेंट और प्रिजर्वेशन के बारे में, अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो देनी चाहिए उनको। तो एक तो मैं सबसे पहले कहूँगा अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल, सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा। दूसरा, अभी बात कही गई बड़ी महत्वपूर्ण थी कि रोल ऑफ द कम्युनिटी, जिस समाज में हम रहते हैं उसका क्या रोल है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, और कम्युनिटी की कॉन्शियसनेस में ये आनी चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, और किस तरह प्रिजर्व किया जाए उसके तरीके भी बताने। अभी शर्मा जी ने हमें बताया कि कैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह पानी का लेवल ऊपर जा सकता है, जैसे हीटिंग होती है तो आइसबर्ग्स आपके मेल्ट करते हैं, नदी में पानी बढ़ता है। तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ हमारे रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशन के कन्फेडरेशन फेडरेशन के सभी सदस्य बैठे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी पड़ती है, बिकॉज आप कम्युनिटी को लीड करते हैं, और जिस तरह आप लीड करेंगे उसी तरह ये इंडिविजुअल्स भी जाएंगे। तो कम्युनिटी लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नजर में। तीसरी बात मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हमें जो टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट कर रहे हैं उसको में ये देखना चाहिए कि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या कैसी है, हमें अपने आप ही रिसर्च करना चाहिए। आज हमारा राष्ट्र ये कहता है, और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कि हम क्लाइमेट चेंज और जो हमारे लिए टारगेट फिक्स किए जाएं क्लाइमेट चेंज में, वो तभी संभव है जब आप वेस्टर्न कंट्रीज आप अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करिए। हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी बताइए कि हम पर्यावरण को कैसे प्रिजर्व करें। मुझे बड़ी शर्म की बात लगती है, हमारे देश में अभी जैसे आचार्य जी ने बताया, एक इतना स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकग्राउंड है, हमें खुद ही रिसर्च करना चाहिए इनटू ग्रीन टेक्नोलॉजीज, और भारत को जो सूटेड है ग्रीन टेक्नोलॉजीज उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हुई, और ये हुआ कि इसमें और जोर देना चाहिए, इसमें जो हमें बिजली है वो क्लीन और नीट ग्रीन एनर्जी आनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर किस तरह, आज मैं जब पढ़ता हूँ कि आप बिल्डिंग्स में सोलर सेल्स लगा सकते हैं और आपकी बिजली की जो जितनी खपत है जितनी आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है, तो हमें कोई लगा के दिखाए एग्जाम्पल। आपने ये कहा, ठीक कहा, कि जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं होगा हम क्या अडॉप्ट करेंगे। ये मैं सोचता हूँ कि अगर आप एज अ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशंस, अगर आप अपने हर एक सेक्टर में एक मॉडल बना के दिखा दें कि सोलर प्लांट आपके घरों के रूफ्स के ऊपर लग सकता है और वो पर्याप्त बिजली दे सकता है आपके घर के लिए, तो सभी लोग इस पर लग जाएंगे, सभी लोग अडॉप्ट करें। नहीं, आपने तो लगाया पर वो दिखाइए, हम आपके घर आप जब बुलाएंगे तब जाएंगे देखने के लिए। और इसी तरह जैसे टेक्नोलॉजी की बात हुई, गौर साहब ने ठीक बात कही, इन्होंने किस तरह गार्बेज को रीयूज करके किस तरह वो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है
कि पूरा गार्बेज रिसाइकल हो सकता है, उस तरह की गार्बेज जो मशीन है, रिसाइकलिंग मशीन, तो मैं चाहूँगा अपने फुनरुआ अध्यक्ष से कि वो मांग करें अथॉरिटी से कि हर सेक्टर में ऐसी मशीन लगाई जाए, क्योंकि ये गार्बेज हर एक घर में निकलता है। तो अब ये स्टेज आ गया है, जैसे आचार्य जी ने भी कहा कि हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें इन सब बातों को। हम लोगों ने बहुत बातें सुनी और हम लोगों को बहुत ज्ञान मिला है आज, ये सही है। आप लोग भी सुन रहे हैं, दो घंटों से वक्ताओं की बातें सुन रहे हैं और सुझाव और विचार सुन रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जब अपने ग्रुप्स में या डिस्कशंस करेंगे तो इन बातों का भी जिक्र करेंगे। और पर मैं सोचता हूँ कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल जब तक जागरूक नहीं होएगा, तब तक इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये सेमिनार बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और आगे भी ऐसे सब्जेक्ट्स आप लाते रहेंगे। नवीन जी और दिनेश जी, आपके नेतृत्व के लिए पुनः बधाई। थैंक यू। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर नवीन चंद्रा जी के लिए एक बार गुजारिश जरूर करूंगी, जोरदार तालियां जरूर बजाएं। सारा इंतजाम उन्होंने किया, सब कुछ किया। मैंने कहा कि सर आप कुछ नहीं बोलेंगे, कह रहे नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने अच्छे वक्ताओं को बुलाकर सब लोग उनको सुन पाए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ लोग पीछे रहकर काम करने में विश्वास रखते हैं। अच्छा जी हाँ, एक घोषणा जरूर मैं बताऊं कि हमारे सर श्री कृष्ण पांडे जी ने कहा है कि उनकी किताबें जीवोक्रेसी और अनुशासित इनकलाब पीछे रखे हैं, जो भी चाहें उसको ले सकते हैं। मैं सर से गुजारिश करूंगी कि दो शब्द वो जरूर बोलें, और धन्यवाद के लिए बाद में एनपी सिंह जी जो इस कार्यक्रम के मैं कहती हूँ कि व्यवस्थापक हैं, वो सबसे बाद में उसे पहले में नवीन चंद्रा सर से जरूर कहूँ। इससे पहले कि मैं एनपी सिंह जी से अनुरोध करूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव दें और आपको भोजन पर आमंत्रित करें, मैं अपने बड़े भाई दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूँ कि योगेंद्र रायन सर को जाना है तो क्विकली ये एक कुछ मोमेंटो जो डायस के लिए हम लोग लाए थे अपनी संस्था की ओर से, तो कृपया उसको स्वीकार कर लें। और दो मिनट सम्मान, हम कौन होते हैं किसी का करने वाले, ये जो मंचासीन हैं हम तो उनसे स्वयं सम्मानित हैं, लेकिन फिर भी औपचारिका का औपचारिकता करते हुए मैं श्री नवीन चंद्रा जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर जी को मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन दे जो है। और इसी क्रम में अब मैं अगले स्मृति चिन्ह अध्यक्ष महोदय से ही गुजारिश करूंगी कि आप ही सबको भेंट करें। श्री गिरीश नारायण पांडे जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे अध्यक्ष महोदय, और आप सहयोग करेंगे तालियां बजाकर। डॉक्टर जेवी शर्मा जी, आपको एक स्मृति चिन्ह आज के दिन की याद में। आचार्य इंदु प्रकाश जी को एक स्मृति चिन्ह, एक मेमेंटो। जी हाँ, तालियों का सहयोग बराबर मिलता रहना चाहिए। और इसी क्रम में डीसी श्रीवास्तव जी, एनपी सिंह जी को।
ये एनपीसीटी पुनर्वा के प्रेसिडेंट हमारे बीच में हैं और डीसी श्रीवास्तव जी आपको जी हाँ जस्टिस वाईके सिंह जी को जस्टिस वाईके सिंह जी को आज के दिन के लिए और कार्यक्रम अंतिम चरणों में है अपने शब्दों में हमारे बीच में है एनपी सिंह जी जो कि पुनर्वा के प्रेसिडेंट हैं आपने पुनः एक बार व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ योगेंद्र नारायण सर से निवेदन है कि पूनम शर्मा जी को कृपया ये स्मृति चिन्ह उनका हमेशा सहयोग रहता है हमारे कार्यक्रमों में आप गाजियाबाद से आई हैं और आप मेरे ख्याल ये नहीं तो फोटो ठीक नहीं रहेगी जी पूनम जी बिल्कुल इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं तो अगुआ का एक हिस्सा ही मानती हूँ अपने आप को मैं इसके लिए शब्दों में यही कहूंगी कि जब भी जी चाहे बुला लीजिए होकर मेहरबान मैं कोई गुजरा हुआ वक्त तो नहीं जो लौट कर आ ना सकूं आप मुझे जब भी बुलाएंगे तभी मैं आऊंगी आपके कार्यक्रमों में ये मेरा सौभाग्य है और मैं अब गुजारिश कर रही हूँ एनपी सिंह जी से कि आप अपने शब्दों में आज के इस कार्यक्रम का समापन करें सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें और आभार व्यक्त करें श्री एनपी सिंह जी थैंक यू सभी को नमस्कार आज यहाँ पर हमारे बीच में हमारे माननीय डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी उनके साथ सभी महापुरुष यहाँ पर पहुंचे हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन पूनम शर्मा जी ने इतना सुंदर मन संचालन किया है धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ पर जस्टिस साहब हैं शर्मा जी हैं पांडे जी हैं हमारे आचार्य जी श्रीवास्तव जी और यहाँ पर जो आप पहुंचे हैं मेरे साथ बहुत सारे हमारे फेडरेशन ऑफ नोड आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष महासचिव और काफी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं ग्रेटर नोएडा से कुछ लोग आए हुए हैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और विशेष धन्यवाद भाई नवीन चंद्रा जी अजय अग्रवाल जी आपकी टीम ने जो इतना सुंदर कार्य किया है बाकी आप बधाई के पात्र हैं और इस आज ये जो संदेश है मैं चाहता हूं कि इसको केवल यही छोड़कर ना जाए यहां से कुछ लेकर हर एक आदमी के मन में एक बात होनी चाहिए कि हमने यहां से कुछ सीखा है यहां से कुछ ग्रहण किया है और इसको ले जाकर हम लोग जमीन पर उतारे तभी हमारा आज के सभा का सफल काम होगा अदरवाइज रोज मीटिंग होती है रोज कार्यक्रम होते हैं हम लोग आते हैं सुनते हैं चले जाते हैं उसका कोई संदेश नहीं होता मैं चाहता हूं कि सब लोग इस संदेश को लेकर जाए एक एक आदमी जब मैं अपने घर में इन्वायरमेंट पर काम करूंगा तो मेरे पड़ोसी मुझे देखकर ऑटोमेटिकली करेंगे एक एक आदमी की जिम्मेदारी 10-10 आदमियों को बताने की और आगे बढ़ाने की होगी तो नेचुरली हमारे नोएडा शहर में एक सुंदरता आएगी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी को जिन्होंने ग्रेटर नोएडा जैसे जंगल में जहां पर कोई अनाज भी पैदा नहीं होता था उस जंगल को आज मंगल बना दिया है जो पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश जाता है ग्रेटर नोएडा का आप बधाई के पात्र हैं सर वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है आपने नोएडा वासियों को ग्रेटर नोएडा वासियों को उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं पूरे देश की जनता को जो संदेश जो आपने दिया है वाकई आप बधाई के पात्र हैं आपने मैं तो चाहता हूं कि नोएडा अथॉरिटी जो अंधी और बहरी होकर काम कर रही है आप जैसे लोगों से उनको एडवाइजर के रूप में आपसे सलाह लेनी चाहिए इस शहर को और सुंदर बनाया जा सकता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को यमुना एक्सप्रेसवे को और सुंदर बनाया जा सकता है आप जैसे लोगों की एडवाइजरी उनको लें वो बीच बीच में बात करें आपसे सलाह लें आप जैसे बहुत सारे महापुरुष हमारे नोएडा महानगर में है उन सबका बहुत सारे रिटायर्ड है जस्टिस साहब है पांडे साहब है बहुत सारे लोग हैं हम लोग चाहते हैं हमारे आरडब्ल्यूए के माध्यम से हम लोग आप पास आए आपसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम चाहते हैं कि हमारे आरडब्ल्यू के बीच में आप थोड़ा थोड़ा एक मोटिवेशन करते हैं हमारे बीच में आकर बहुत सारे लोगों को संदेश मिलेगा और ये संदेश
आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे आज की डेट में पूरे देश के अंदर आरडब्ल्यूए कार्यरत है, केवल नोएडा में ही नहीं है, या ग्रेटर नोएडा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, त्रिवेंद्रम में है, हैदराबाद में है, सब जगह आरडब्ल्यूए काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपके सहयोग से पूरे देश के अंदर एक संदेश जाना चाहिए एनवायरमेंट का, तभी हमारी आज के इस कार्यक्रम की सफलता होगी। और खाने पर आपका इंतजार है, मैं चाहूंगा सबको धन्यवाद के साथ सब लोग हमारे साथ भोजन करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।